So welcome all of you for today's class, part number 3 of income tax amendment. We have already uploaded part number 1 and part number 2 in our channel. Please usko go through kar lena, usko dekh lena. Notes already description box mein diya hai, dekh lena. Aaj hum part 3 start kar rahe hain, theek hai? To chaliye start karte hain. Income tax amendments part 3. So section number 80M. Ek naya section hai, section number 80M. M, very important. Section number 80M. सो एटीएम एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2020 में. एंड एटीएम बेसिकली एक तरह का डिडक्शन सेक्शन है. एटीएम बेसिकली एक तरह का डिडक्शन सेक्शन है फॉर इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड्स. इंटर कॉरपोरेट मतलब समझ गए, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को डिविडेंड बांट रही है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा. बेसिकली ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन खाली डोमेस्टिक कंपनी पे एप्लीकेबल है. किसके ऊपर एप्लीकेबल है बताओ? डोमेस्टिक कंपनी पे एप्लीकेबल है. अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी एसएससी है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है. जो भी वो दूसरी कंपनी को डिविडेंड पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन उन्हें मिलेगा. सर सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एज यू ऑल नो इन डिविडेंड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1034 हैज बीन विड्रॉन. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड. ये चीज़ आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा दिया गया था. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो गया है. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो गया है. मुझे कुछ चैट नहीं दिख रहा है, प्लीज़ कोई एक जन चैट लिख के बताएगा क्या? जस्ट टू इंश्योर कि चैट चल रहा है, प्लीज़ एक जन कोई चैट लिख के बताएगा क्या? मुझे लग रहा है मेरा चैट चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि मैं कोई चैट देख नहीं पा रहा हूँ. प्लीज़ कोई एक बार टाइप करके बताओ. यस, डायरेक्ट टैक्स डीजेबी सीए इंटर अवेलेबल फॉर मे 21. यस गौतम, प्लीज़ गिव मी टाइम फॉर दिस मंथ. पक्का आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स का डीजेबी, डू नॉट वरी. दिव्य जड़ी बूटी बुक अवेलेबल हो जाएगा सीए इंटर पे, उस पर काम चल रहा है. क्योंकि अभी रिसेंटली जनवरी 21 का एग्जाम आया है, तो जनवरी 21 का जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं बुक में. तो थोड़ा सा समय लगेगा, अभी एग्जाम खत्म ही हुआ है, उसका क्वेश्चन हम डाल रहे हैं. तो थोड़ा समय दो, इस मंथ एंड तक सारा डीजे भी आ जाएगा. सीए का भी आ जाएगा, सीएस का भी आ जाएगा, सीएम इंटर का भी आ जाएगा, सब डीजे भी आ जाएगा. थोड़ा समय दो मैं, ठीक है? ओके, वर्किंग. चलिए सर, हाय हाय हाय. अभी इतना देर आप लोग रिप्लाई किए, इतना देर से मैं वेट कर रहा था. पीजे परग नवीन गौतम, बताया नहीं आप हो. चलो स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 80 में मैं पढ़ा रहा था इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड. इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड सर आपको पता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो गया है. यस, डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन आ गया है. यस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसके ऊपर हम लोग एक लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट का डिडक्शन भी पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन आप जो ले सकते हो दैट इज 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम. ठीक है, तो सर एटीएम एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो एक डोमेस्टिक कंपनी को बोलता है कि अगर एक डोमेस्टिक कंपनी के पास डिविडेंड है, अगर एक डोमेस्टिक कंपनी के पास डिविडेंड इनकम है, तो वो डिविडेंड पे भी तो कर रहा है ना. आप सोचो अगर उसके हाथ में डिविडेंड इनकम आ रहा है तो डिविडेंड पे भी कर रहा है. तो एटीएम एक ऐसा सेक्शन है जो बोलता है डोमेस्टिक कंपनी अगर किसी को डिविडेंड बांटती है, डोमेस्टिक कंपनी अगर किसी को डिविडेंड बांटती है तो उसका डिडक्शन डोमेस्टिक कंपनी को मिल जाएगा. तो कमिंग बैक, एप्लीकेबिलिटी किसको मिलेगा? डोमेस्टिक कंपनी को मिलेगा. कौन सा इनकम के ऊपर डिडक्शन मिलेगा? डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट. डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट. तो जो इनकम एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए वो कौन कौन से इनकम होंगे? जो डिविडेंड आपको किसी दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, या बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है, तो इस इनकम पे आपको सेक्शन 80M से डिडक्शन मिल जाएगा. क्या डिडक्शन मिलेगा सर? कितना डिडक्शन मिलेगा? अ डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू सो मच ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सच अदर डोमेस्टिक कंपनी. देखिए, किसी दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से एक डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है या किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, एज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. मतलब सर सिंपल है, आपको जो भी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, आपको उसके अगेंस्ट में, या फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला या बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला, उसके अगेंस्ट में आपको डिडक्शन मिलेगा जो आपने डिविडेंड पे किया है. उसके अगेंस्ट में आपको डिडक्शन मिलेगा जो कि आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. इसका मतलब सर, अगर आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो और आप डिविडेंड पे भी कर रहे हो, तो सरकार आपको एक तरह का बेनिफिट दी है इंटर कॉर्पोरेट के लिए. इंटर कॉर्पोरेट मतलब कंपनी टू कंपनी. कंपनी को अगर डिविडेंड मिल रहा है किसी दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से या फॉरेन कंपनी से, उस इनकम के लिए
कंपनी अगर डिविडेंड बांट रही है किसी को भी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो उसका डिडक्शन कंपनी को मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपने इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, वो भी चैप्टर 6 में इसको इंक्लूड किया गया है। यानी आपका जीटीआई में तो डिविडेंड दिखेगा, वो भी कौन सा डिविडेंड, अगर आप किसी डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट से लियो। और क्या क्या चीज का डिडक्शन मिलेगा, जो डिविडेंड आपने रिसीव किया है लेकिन मैक्सिमम जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है सर। सर ये ड्यू डेट क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट बिफोर ड्यू डेट? ड्यू डेट इज नथिंग बट योर ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। यानी सर जो आपका वन मंथ है प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब आपका रिटर्न ऑफ इनकम का जो डेट होगा उसका एक महीना पहले तक आपका ड्यू डेट है। बेसिकली आपको इन शॉर्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ही, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग ड्यू डेट के पहले ही यू हैव टू पे द डिविडेंड। जनरली क्या करते हैं, बुक्स क्लोज होता है अपने एनुअल जनरल मीटिंग में, तो क्या करते हैं डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो डिविडेंड जो हम पे करते हैं तो हम एनुअल जनरल मीटिंग कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो करते हैं यार। तो एग्जैक्टली यही तो टाइम लिमिट है कि वन मंथ ड्यू डेट, मतलब 30 सितंबर, अगर किसी का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे जो चेंज हो गया है, वो है 31st अक्टूबर से वन मंथ ड्यू डेट है 30th ऑफ सितंबर। तो 30th सितंबर तक अगर मैंने पिछले साल का डिविडेंड दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसका डिडक्शन मुझे सेक्शन 80M दे देगा, उसका डिडक्शन मुझे सेक्शन 80M दे देगा। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं अपने इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। अच्छा, अगर आपने कोई डिडक्शन इस सेक्शन में ले लिया है तो ऑफकोर्स आप किसी दूसरे सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले सकते। तो नो डिडक्शन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलाउड इन दी अदर प्रीवियस ईयर। नो डिडक्शन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज अलाउड इन दी अदर प्रीवियस ईयर। जब कोई डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई डोमेस्टिक कंपनी हैज बीन अलाउड इन एनी प्रीवियस ईयर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट इन एनी अदर प्रीवियस ईयर। अगर मान लीजिए आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसका डिडक्शन आप ATM में ले लिए इस साल, तो आप कोई भी डिडक्शन किसी दूसरे ईयर में आप नहीं ले सकते। क्लियर हुआ? क्योंकि एक बार जब मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन ले चुका हूं, वापस से मुझे दूसरे साल में उसी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये है ATM, बड़ा सिंपल सेशन है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अगर डोमेस्टिक कंपनी के ग्रॉस टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम जुड़ा हुआ है, कौन सा डिविडेंड इनकम, मेरे बात ध्यान से सुनना, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम, बताओ साथ साथ, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट। तो GTI में क्या पता है, उसका GTI में उसका डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड रहेगा, उसमें आप रिड्यूस क्या करेंगे पता है, सेक्शन ATM का डिविडेंड। जितना डिविडेंड इंक्लूड हुआ उतना तक आप रिड्यूस कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दैट डोमेस्टिक कंपनी एज डिविडेंड। क्लियर है? बेस्ट है सर, एकदम क्लियर है। ड्यू डेट के पहले उसको पे करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा ATM, रिटर्न ऑफ इनकम अपने पढ़ी लिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज आया था। अब आते हैं भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए इस बार, TDS चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम फॉर May-June 2021 एग्जाम्स। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि भयंकर वाले अमेंडमेंट है इसमें, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, नए नए सेक्शन है, TCS में नए नए सेक्शन है, TDS में नए नए सेक्शन है, एग्जिस्टिंग सेक्शन में चेंजेस है, बहुत सारे। इनफैक्ट बहुत ज्यादा टाइम मेरे को इसी चैप्टर में लगेगा पढ़ाने के लिए, जो आज हम लोग खत्म कर लेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं अपने को। पहला अपना जो सेक्शन होगा, वो सेक्शन में जो चेंज आया हुआ है 191 और 192। ठीक है, मैं 192 पहले डिस्कस करता हूं। एज यू ऑल नो दैट सेक्शन 192 टॉक्स अबाउट TDS ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स उसे TDS काटना पड़ता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 192। वो क्या करता है सर, एवरेज उसका टोटल इनकम निकालता है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है, सारा डिडक्शंस का, लॉसेस का डिटेल सब देना पड़ता है एम्प्लॉयर को। अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर उसका इनकम कैलकुलेट करता है, उस पर टैक्स निकालता है और टैक्स को अकॉर्डिंगली डिवाइड बाय 12 करके एवरेज TDS गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं TDS अंडर सेक्शन 192, विच इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी। नॉर्मली ड्यू डेट क्या है TDS का सर, नॉर्मली ड्यू डेट है जिस मंथ आप TDS काटे उसके अगले महीना के 7 days के अंदर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके अगले महीना के 7 days के अंदर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बस यही पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा चेंज है। ठीक है ना, बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। सोचो एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी के लिए डेफिनेटली दे हैव ह्यूज मैन पावर इन द बिगनिंग, दे हैव टू गेट ह्यूज मैन पावर इन द बिगनिंग। तो मैन पावर को अपने पास रखने के लिए दे गिव मैनी परक्विजिट्स टू देयर मैन पावर, वन ऑफ बींग इज ESOP। ये लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अनाउंस करते हैं अपने कंपनीज का टू दी
इम्प्लॉइज कि फ्यूचर में जाके यू नो ये कंपनी का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो आपको क्या कंपनी को क्या दिया जाता, कंपनी इंप्लॉय को क्या देता है, ईसॉप्स दे देता है. तो ईसॉप इज अगेन टैक्सेबल एज सैलरी, एज अ टैक्सेबल सैलरी इन दी हैंड्स ऑफ दी एम्प्लॉय. ईसॉप जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ दी सैलरी, एज सैलरी इन दी हैंड्स ऑफ दी एम्प्लॉय. तो डेफिनेटली अगर ईसॉप का जो परक्विजिट, अगर आपको याद होगा हम लोग सैलरी चैप्टर में क्या पढ़े थे सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन माइनस अलॉटमेंट प्राइस, ये जो डिफरेंस है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, परक्विजिट टैक्सेबल करना पड़ेगा. इसका आपको क्या करना पड़ेगा, परक्विजिट टैक्सेबल परक्विजिट निकालना पड़ेगा. तो इन दिस केस व्हाट आई वांट टू यू टू अंडरस्टैंड, एज पर सेक्शन 192 अगर हम सैलरी का पेमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉय को तो हमें TDS काटना पड़ता है. उस सैलरी में सब कुछ आ जाता है, अलाउंसेज, बेसिक सैलरी, परक्विजिट, सब कुछ आ जाता है. तो वन ऑफ द परक्विजिट बींग ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये उसी के बारे में बात कर रहा है. अगर एक एम्प्लॉयर ईसॉप का ग्रांट करता है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय के लिए क्या है, परक्विजिट. एम्प्लॉय के लिए क्या है, परक्विजिट. नाउ द पॉइंट इज अगर एम्प्लॉय को परक्विजिट दे रहा है तो डेफिनेटली सैलरी है और उस पर TDS क्या काटना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को काटना पड़ेगा. बस इसी में चेंज है. स्टार्टअप्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, स्टार्टअप को बोला कि अगर आप कोई भी परक्विजिट पे कर रहे हो इन द नेचर ऑफ ईसॉप टू योर एम्प्लॉय, तो हम आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट करने के लिए. नॉर्मली आपको 7 ऑफ द नेक्स्ट मंथ TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन इस केस में अगर ईसॉप का परक्विजिट है और अगर स्टार्टअप हो जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो अंडर सेक्शन 80IAC और आप इनकम पे कर रहे हो एक ईसॉप परक्विजिट का कोई भी साल में, तो आपको जो TDS काटना है उसके लिए सरकार आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रही है. वो क्या टाइम लिमिट है आइए एक बार देख लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. डेफरिंग टीडीएस और टैक्स पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम पर्टेनिंग टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑफ द स्टार्टअप्स, दैट इज सेक्शन 191. सेक्शन 191 बोलता है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स और 192 बोलता है TDS इनडायरेक्ट डिडक्शन. अ पर्सन बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80IAC रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, यस दिलीप सिंह राठौर मैं डिस्कस करता हूं, एक बार मेरे को ये सेक्शन खत्म करने दीजिए, मैं डेफिनेटली डिस्कस करता हूं. अ पर्सन बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80IAC रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम टू द SEC बीइंग अ परक्विजिट इन द नेचर ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17(2)(6) इन एनी प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर ऑन और आफ्टर 1/4/2021, मतलब बेसिकली करेंट ईयर असेसमेंट 21-22, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 से एप्लीकेबल है, शैल डिडक्ट और पे टैक्स ऑन सच इनकम विद इन 14 डेज. कितना टाइम दिया आपको, 14 दिन का टाइम दिया है. MCQ के लिए डेफिनेटली आ सकता है. कितना टाइम दिया, 14 दिन का टाइम दिया. इन तीन डेट का विच एवर इज अर्लिएस्ट, इन तीन डेट विद इन 14 डेज, ये जो तीन डेट रहेगा उसमें से जो भी अर्लिएस्ट फॉल करेगा उस डेट से 14 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को TDS काटना पड़ेगा. ठीक है, वो क्या है आराम से समझते. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जैसे मान लो अगर 1 October 2020 को हमने ईसॉप ग्रांट किया, तो ये साल के एंड में आ जाओ 31 March 2021, ये साल के एंड में आ जाओ 31 March 2021, और वहां से 2 ईयर्स कैलकुलेट करो. 2 ईयर्स मतलब 48 मंथ्स, यानी आपको 31 March 2023 से 14 दिन, क्योंकि 31 March 2023 एक डेट यहां पे फ्रीज हो जाएगा, वहां से 14 डेज के अंदर आपको क्या करना है, TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट करना है. क्लियर है, यस सर. तो ये एक डेट हो गया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, और फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल, जिस दिन ये ईसॉप SSE सेल करता है. आई रिपीट, देखिए ईसॉप जब सेल होगा तो ईसॉप सिक्योरिटी जब सेल होगा उस दिन से 14 दिन के अंदर, मतलब सपोज ईसॉप जो एम्प्लॉय को मिलता है, या तो आप जिस साल ईसॉप दी हो उस साल के एंड में आ जाओ, 48 मंथ्स वहां से कैलकुलेट करो, या फिर जिस दिन भी ये ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर जो हम बोलते हैं, वो जिस दिन सेल होता है, जिस दिन आप बेच देते हो, एम्प्लॉय बेच देता है, उस दिन से 14 डेज के अंदर आपको TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट करना पड़ेगा, या फिर जिस दिन सर एम्प्लॉय कंपनी ही छोड़ देता है, ऑब्वियसली कंपनी छोड़ने के बाद फिर तो कंपनी को TDS काटना पड़ेगा. फ्रॉम द डेट ऑफ द SEC सीजिंग टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द पर्सन, मतलब सर तीनों डेट्स को कैप्चर करना पड़ेगा आपको. एक तो 48 मंथ्स मैक्सिमम टाइम लिमिट दे दिया, डेट ऑफ सेल दे दिया, और डेट ऑफ Employee being ceased to be the employee of that employer. मतलब अब वो employee नहीं रहा, अब SSE employee नहीं रहा. तो in that case,
टीडीएस का जो सेक्शन है वो बोलता है सेक्शन 192 कि ESOP के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दे रहे हैं आपको 14 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम दिस डेट विच एवर इज अर्लिएस्ट आप टीडीएस काटो ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स फॉर द ईयर बहुत ध्यान से इन विच द सेट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर इज अलॉटेड और ट्रांसफर्ड मतलब सर ध्यान से समझो भले ही आपका टीडीएस डेफर हुआ है बट जो रेट्स है ना रेट्स मतलब देखिए हर साल तो टैक्स रेट चेंज हो सकता है बट इस केस में बोला है कि जिस साल आपको शेयर अलॉट किया गया था ईसॉप का शेयर अलॉट किया गया था ईसॉप का शेयर मतलब जिस साल आपको ईसॉप एक्चुअली दिया गया था उसी साल का रेट्स इन फोर्स के हिसाब से आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा मतलब सर सिंपल है खाली टाइम डेफर किया है कि टीडीएस कब डिपॉजिट करना है टीडीएस आज काटने का दरकार नहीं है आज आपको डिपॉजिट करने का दरकार नहीं है खाली टाइम डेफर किया है तो डेफर भी तो बहुत बड़ा चीज है ना कैलकुलेशन टीडीएस का आज ही करेंगे इसी साल करेंगे जिस साल आप स्वेट इक्विटी शेयर को अलॉट कियो ईसॉप को अलॉट कियो बट यू विल डिपॉजिट टीडीएस विद इन 14 डेज फ्रॉम दिस डेट विच एवर इज अर्लिएस्ट तो एक एमसीक्यू के लिए बन सकता है सवाल एक डेफरमेंट है टीडीएस का जो कि खाली स्टार्टअप्स के लिए है जो स्टार्टअप्स ईसॉप दे रहे हैं जो स्टार्टअप ईसॉप का इनकम अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं उन्हीं के लिए ये बेनिफिट है और किसी के लिए बेनिफिट नहीं है तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड पीरियड यहां पर दे दिया गया ठीक है नेक्स्ट आते हैं तो नोट देखो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल प्राइसेस ट्रीटेड एज परक्विजिट इसी परक्विजिट के ऊपर बातचीत हो रही थी अभी तक अब आते हैं डिविडेंड पे सर डिविडेंड पे टीडीएस डिडक्ट होता है हम ऑलरेडी जानते हैं सेक्शन नंबर बताओ 194 सेक्शन नंबर 194 पहला चेंज डिडक्ट कब करना है आपको टीडीएस डिविडेंड इनकम जब हम पे करते हैं तो हम डिविडेंड इनकम पे टीडीएस काटते हैं ठीक है अब द पॉइंट इज आपको कब टीडीएस काटना है तो जब कोई इंडियन कंपनी बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड In respect of dividend or before making any distribution or payment to a shareholder who is a resident in India, उन्हें deduct करना पड़ेगा tax. मतलब यहाँ पे change है by any mode. किसी भी mode में आपको payment करे या declare करे, distribute करे, जो कि India का resident shareholder है, उसके income पे TDS कटेगा. Section number 194 ऐसा बोलता है. किसी भी mode में आप payment करिए, या declare करिए, distribute करिए. Who is a resident in India? उसके ऊपर सेक्शन 194 का टीडीएस आपको काटना पड़ेगा किस रेट पे काटना है पहले यहां पे एक ठो रेट जो होता था उसको बोलते थे रेट्स इन फोर्स लेकिन अब वो रेट्स इन फोर्स को हटा दिया गया है अब 10% प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्या बोला मैंने 10% प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो 10% रेट के हिसाब से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 10% रेट के हिसाब से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा थर्ड सर आपको अगर याद होगा यहां पे हमने एक तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी पढ़ा था हम लोग ने थ्रेशोल्ड लिमिट भी पढ़ा था वो थ्रेशोल्ड लिमिट कब था जब आप अकाउंट पे ही चेक से डिविडेंड देते हो तो आपको एक लिमिट मिलता था उसमें एक छोटा सा चेंज है नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस इफ डिविडेंड इज पेड बाई द कंपनी बाई एनी मोड अदर देन कैश देखो वर्ड क्या यूज किया है बाई एनी मोड अदर देन कैश कैश छोड़ के किसी भी मोड में अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो और अगर आपका एग्रीगेट डिविडेंड पूरे साल भर में अगर आपने उस शेयर होल्डर को जो पे किया है वो 5000 से ज्यादा नहीं है तो आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है सपोज जो मिनिमल अमाउंट होता है ना 200 500 हजार 2000 4000 अगर कंपनी एक शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है ना तो इन दैट केस उस डिविडेंड पे कंपनी को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेक्शन 194 बेसिकली बोलता है कोई हाँ कैश में अगर दे रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा बोल रहा है एनी मोड अदर देन कैश है तो टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड आपको उसमें टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रेट क्या है 10% है कब काटना है एनी मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट टू शेयर होल्डर जो इंडिया का रेसिडेंट है फोर्थ इंपॉर्टेंट चेंज और ये तो मस्ट चेंज है इसमें तो मजा आ जाएगा आपको अगर आपको याद होगा गाइस मैं पर आपको लिखवा देता हूं या फिर आप एक बार नोट भी कर लेना इसको हमने टीडीएस में कुछ सेक्शंस पढ़ा था 194A 194C 194H 194I 194I और 194J और 194J तो पांच सेक्शन पढ़ा था अपने कौन सा A C H I और J पांच सेक्शन हम लोग ने पढ़ा A C H I और J ठीक है
यस इट वॉज 2500, इसका लिमिट 5000 कर दिया, करेक्ट। पहले लिमिट 2500 था, इसको 5000 कर दिया, ठीक है ना। और इसमें एनी मोड अदर देन कैश ऐड कर दिया TDS 194 में। तो चलिए चलिए, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, ACHIJ पांच सेक्शन है, पांच सेक्शन ACHIJ, फाइव सेक्शन है अगर आपको याद है। अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, जिसका पुराना ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं होता था या टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं था, तो इन दैट केस उनको ये पांच सेक्शन में TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 194A टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194C टॉक्स अबाउट पेमेंट फॉर टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। 194H टॉक्स अबाउट TDS ऑन डिविडेंड, सॉरी कमीशन। 194I टॉक्स अबाउट रेंट एंड 194J टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज। तो यहां बात हो रही है कि ये पांच सेक्शन में हमें TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम इंडिविजुअल HUF है जिनका पुराने साल में टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं थे। गाइड अब गाइस, इसमें चेंज लाने का दरकार क्यों पड़ा ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखो, फाइनेंस एक्ट 20 से 44AB में भी चेंज आ गया है। वो क्या चेंज है एक बार याद दिलाता हूं। सर, आपको बताया गया था एवरी पर्सन हु कैरीज ऑन अ बिजनेस एक्सीडिंग टर्नओवर मोर देन 1 करोड़, उन्हें टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, दे आर लायबल टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा चेंज आया था, द थ्रेशोल्ड लिमिट विल इंक्रीज टू 5 करोड़। यानी और एक लिमिट आ गया, द थ्रेशोल्ड लिमिट विल इंक्रीज टू 5 करोड़ इन केस दे आर रिसीविंग कैश एंड दे आर मेकिंग पेमेंट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल। पूरे साल भर का टोटल में 5% से ज्यादा ना तो कैश पे कर रहे ना तो कैश रिसीव कर रहे, तो इन दैट केस उनको, उनके लिए जो लिमिट है दैट विल इंक्रीज टू 5 CR, मतलब 5 करोड़ तक अगर है ना तो उनको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। तो अब ऐसा सोचो, अगर ये प्रोविजन हो गया तब हमेशा हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर हम 4 करोड़ का भी टर्नओवर कर रहे हैं और अगर हम टैक्स ऑडिट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हमारा 5% से ज्यादा कैश में नहीं है, तब आपको क्या लग रहा है ACHIJ में आपको TDS काटना पड़ेगा? द आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, आप टैक्स ऑडिट नहीं करवा रहे हो क्योंकि अब लिमिट हो गया 5 करोड़, और आप वो कंडीशन भी फुलफिल कर दिए, यू आर फुलफिलिंग दैट कंडीशन, एंड इफ दैट इज द केस ऑफ फुलफिलिंग दैट कंडीशन, देन इन दैट केस एज पर द न्यू प्रोविजन यू आर नॉट सपोज टू डिडक्ट TDS, एज पर द न्यू प्रोविजन यू आर नॉट सपोज टू डिडक्ट TDS, तो आपको TDS काटना नहीं है। बट यहाँ पे भी गवर्नमेंट बहुत चालू कम नहीं है, आपका चेंज किया। क्या चेंज किया मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला, देखो इंडिविजुअल HUF के लिए हम ये प्रोविजन रखे थे ना, ये पांचों सेक्शन में ACHIJ में पांचों सेक्शन में हम ये प्रोविजन रखे थे कि पिछले साल इफ यू आर नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट देन यू आर नॉट सपोज टू डिडक्ट TDS। अब हम इस प्रोविजन में थोड़ा चेंज कर रहे हैं, हम बोलते हैं फॉरगेट टैक्स ऑडिट, जस्ट रिमेंबर दैट ओरिजिनल लिमिट 1 करोड़, जस्ट रिमेंबर दैट ओरिजिनल लिमिट 1 करोड़ एंड 50 लैक्स। बस ये दो लिमिट याद रखो, बिजनेस के केस में 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में 50 लाख, बिजनेस के केस में 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में 50 लाख। अगर आपका टर्नओवर इस दो लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा पिछले साल में, तभी इस साल अगर आप इंडिविजुअल HUF यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। अगर आपका टर्नओवर पिछले दो साल में, अगर क्रॉस नहीं किया, अगर आपका टर्नओवर पिछले दो साल में, पिछले साल में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ और 50 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं किया, तो आपको TDS नहीं काटना है, करेक्ट। पहले ये सिचुएशन था, अभी भी क्या सिचुएशन है, अभी भी सिचुएशन गाइज यही है, अभी भी सिचुएशन यही है, क्योंकि टैक्स ऑडिट का लिमिट चेंज हो गया है, 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गया है, तो गवर्नमेंट बोलता है कहीं आप 1 करोड़ से ऊपर आने के कारण भी आप टैक्स ऑडिट नहीं भी करवा सकते हैं। लेकिन हम पुराना बात आज भी होल्ड गुड करते हैं, पिछले साल अगर आपका टर्नओवर 1 CR से ज्यादा था या 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन में ज्यादा था, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इन दिस केस यही हम समझ रहे हैं कि बॉस इंपैक्ट हुआ है ऑफ एक्सटेंशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टैक्स ऑडिट ऑन स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ लायबिलिटी टू डिडक्ट TDS। इस इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर दिया, हर जगह 1 करोड़ 50 लाख का प्रोविजन डाल दिया। मतलब सर, सम्स में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, प्रोविजन एज इट इज वही है, समझ गया? तो चलो देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर गेटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड विल हैव अ कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ऑन TDS एंड TCS प्रोविजंस कंटेंड इन सेक्शन 194A CHIJ एंड ऑल्सो TCS, क्योंकि TCS में भी सेलर्स में जो इंडिविजुअल HUF का टैक्स ऑडिट नहीं होता ना पिछले साल, वो लोग TCS कलेक्ट नहीं करते। लेकिन अब उनके लिए भी क्या कर दिया, पिछले साल में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है
करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है, या प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है तभी भी टीसीएस कलेक्ट करना है, फॉरगेट टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट भूल जाओ इसमें, खाली टर्नओवर चेक करना है, ओनली यू हैव टू चेक इज टर्नओवर लिमिट फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। एज दिस प्रोविजन फासन लाइबिलिटी ऑफ टीडीएस टीसीएस ऑन सर्टन कैटेगरीज ऑफ पर्सन इफ द ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैड ऑन बाय देम एक्सीड्स द मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44AB। जो ये मॉनेटरी लिमिट क्या करता है, एक्सीड कर देता है, जो हम 44AB में पढ़े याद है 1 करोड़ या 50 लाख। हेंस सिंस द मॉनेटरी लिमिट ऑफ 44AB हैज बीन अमेंडेड, ये कौन सा लिमिट हो गया सर, 1 करोड़ to 5 करोड़, 1 करोड़ to 5 करोड़ अमेंड हो गया, दैट इज वाई स्पेसिफाइड सेक्शन इन टीसीएस वुड बी इंपैक्टेड अकॉर्डिंगली, अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन 194ACHIJ टू रिस्टोर इट टू अर्स्टवाइल प्रोविजन, मतलब पुराना प्रोविजन को बैक टू नॉर्मल करने के लिए ये प्रोविजन को इंसर्ट किया गया। व्हाट इज द अमेंडमेंट, लेट्स रीड, व्हाट इज द अमेंडमेंट इन सेक्शन 194A, लेट्स रीड, एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया, एन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीट्स टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैड ऑन बाय हिम एक्सीड 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल इन विच द इंटरेस्ट इज पेड। 194 क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट के लिए देखिए ये अमेंडमेंट है, सेम अमेंडमेंट सी में भी आए, एच में भी आए, आई में भी आए, जे में भी आए, सेम अमेंडमेंट सी में भी आए, आई में भी आए, एच में भी आए, जे में भी आए। तो सर अगर 1 करोड़ से ज्यादा इन केस ऑफ बिजनेस या 50 लाख से ज्यादा इन केस ऑफ प्रोफेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इन विच इंटरेस्ट पेड शैल बी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194A। मतलब सर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट वर्डिंग्स चेंज कर दिया ताकि आप 5 करोड़ वाला पॉइंट पे कंफ्यूज मत हो जाओ। सिमिलर अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन CHIJ एंड ऑल्सो TCS सेलर के डेफिनेशन में। तो पहले ये होता था देखो लायबल टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर 44AB, लेकिन अब बोल दिया नो, you don't have to check tax audit, you just have to check ye limit 1 crore in case of business and 50 lakh in case of profession, that's it, you don't have to check any other thing, ye limit dekh lo aur bas, clear ho raha hai, okay sir, so this is number 1 change। next hai 194A mein, if you know there is a exemption given for payment of interest other than interest on security to cooperative society, cooperative society अगर अपने members को interest पे करते हैं तो 194A में TDS नहीं कटता, cooperative bank काटता है। कॉपरेटिव सोसाइटी दूसरे कॉपरेटिव सोसाइटी को भी इंटरेस्ट पे करता है तो उसमें टीडीएस नहीं करता, लेकिन 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 अब कुछ केसेस में जो हाई लेवल वाले कॉपरेटिव सोसाइटी जिनका बहुत हाई इनकम है या हाई टर्नओवर है उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम देयर हैज बीन अ टीडीएस इंप्लीकेशन ऑन कॉपरेटिव सोसाइटी इन सेक्शन 194A, इन सेक्शन 194A। तो लेट्स रीड कि व्हाट इज द स्कोप, हाउ द स्कोप हैज बीन वाइडेंड इन सेक्शन 194A फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इनलार्जिंग द स्कोप फॉर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अंडर 194A, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक तो ऑलरेडी टीडीएस काटता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं काटता था, कोऑपरेटिव बैंक काटता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और अ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और अ कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और अ कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, बहुत सारे सोसाइटी देखो, कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये लोग जितने भी है ये लोग सब टीडीएस काटेंगे अंडर सेक्शन 194A। कब कब कब, अगर उनका टोटल सेल्स टर्नओवर रिसीट्स ऑफ द कॉपरेटिव सोसाइटी एक्सीड्स 50 करोड़, ओ माई गॉड, यानी सर ये बड़े बड़े जो कॉपरेटिव सोसाइटी है ये भी टीडीएस नहीं काटते थे, गवर्नमेंट वाला नहीं, अब इनको काटना पड़ेगा क्योंकि इनका टर्नओवर पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़, यानी 50 करोड़ से कम है तो भूल जाओ कोई चेंज नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है तो यस आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द इंटरेस्ट एफर्ट इज पेड। एंड ऑब्वियसली 194A का लिमिट याद है कि आपको, अरे बताओ 194A का लिमिट याद है क्या? हाँ सर, कौन भूल सकता है, 40,000 का भी लिमिट है और 50,000 का भी लिमिट है। 50,000 का लिमिट कब है, जब पे कौन है, सीनियर सिटीजन है, अदर देन सीनियर सिटीजन है तो 40,000 का लिमिट है। तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट और एग्रीगेट इंटरेस्ट क्रेडिट और पेड और लाइकली टू क्रेडिट पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल इज मोर देन 50,000 इन केस ऑफ पे बींग अ सीनियर सिटीजन। अगर पे जो जिसको पे कर रहा है अगर वो क्या है, सीनियर सिटीजन है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 50,000 से ज्यादा पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, अदर देन सीनियर सिटीजन तो 40,000 का लिमिट है। सर इसमें कोई चेंज नहीं है, तो पहले भी था, अगर 50,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस क्यों काटेंगे, अब इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटेंगे, 40,000 अदर केसेस के लिए। और डेफिनेटली टर्नओवर लिमिट भी याद रखना, पिछले साल में 50 करोड़ से ज्यादा है तो ही उसको टीडीएस काटना है, वरना टीडीएस नहीं काटना है। एंड सीनियर सिटीजन आपको पता है इंडिया का रेसिडेंट होगा तब जाके वो 50,000 का लिमिट एंजॉय करेगा, वरना अदर केस 40,000 में आ जाएगा। सीनियर सिटीजन मींस एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु इज द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट
नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194A नोटिफाइड केसेस। सेक्शन 194A में एक सबसेक्शन 4 इंट्रोड्यूस किया जहां पे गवर्नमेंट ने अपना एक पावर ले लिया कि गवर्नमेंट जब चाहे नोटिफिकेशन लाके किसी भी ट्रांजैक्शन को जो जिसपे इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे हो रहा है उस पर टीडीएस को एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोवाइड दैट द टीडीएस शैल नॉट बी मेड और शैल बी मेड एट अ लोअर रेट फ्रॉम सच पेमेंट टू सच क्लास और पर्सन एज मे बी नोटिफाइड। किसको भी पे करेंगे तो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा, ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है किसी भी नोटिफिकेशन को रिलीज करके। तो सेक्शन 194A का पावर सरकार ले लिया कि जब भी चाहे वो टीडीएस को किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी को भी पेमेंट करते में एग्जेम्प्ट कर सकता है या कम रेट कर सकता है। राइट, क्लियर है। तो सर 194 में क्या चेंज था? 194 में एक तो सर इंडिविजुअल एचयूएफ का सारा चेंज आप बता दिए कि पिछले साल में टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं देखना, क्या देखना है टर्नओवर, बस टर्नओवर देखो और कुछ नहीं देखना है। जहां जहां इंडिविजुअल एचयूएफ है ACHIJ में उन टीडीएस नहीं काटेंगे, अगर पिछले साल उनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटेंगे, दे आर नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है, इन दैट सेक्शन 194 ACHIJ, ठीक है। अब 194A में कोऑपरेटिव सोसाइटी का एनलार्जमेंट कर दिया कि जिनका टर्नओवर पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा है वो टीडीएस काटेंगे, अगर एग्रीगेट पेमेंट सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज्यादा है या अदर केसेस में 40,000 ज्यादा है तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है सर। अब आते हैं सेक्शन 194C में। गाइस 194C में तो वो एक चेंज है जो आपको बताया, इंडिविजुअल एचयूएफ पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा प्रोफेशन के केस में, तो टर्नओवर के केस में इन दैट केस उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, नहीं है तो टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो कोई बात नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैड ऑन बाय हिम एक्सीडिंग 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194C, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वर्क का एक डेफिनेशन था, अगर आपको याद है वर्क में क्या क्या था बताओ फटाफट। एडवर्टाइजिंग था सर, याद है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स था, याद है, केटरिंग था, याद है, मैन्युफैक्चर ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम, याद है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कस्टमर बाय यूजिंग द मटेरियल परचेस्ड फ्रॉम दैट कस्टमर। अगर आप किसी और से खरीद के दे रहे हो भैया तो दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसमें टीडीएस नहीं कटता है। कस्टमर से ही खरीद रहे हो तो टीडीएस कटेगा। तो लोग क्या करते थे मैं आपको बताता हूं, अगर हम कस्टमर से खरीदेंगे मटेरियल पे तो टीडीएस हमें काटना पड़ेगा। 194C क्या बोलता है, पेमेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, हम किसी को पेमेंट करें जो जिस पे आप उसे मटेरियल दे रहे हो और सर्विस वो आपको दे रहा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो होता क्या था, इस प्रोविजन को इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और चेंज पॉजिटिवली किया, दैट्स अ वेलकम चेंज। लेट मी एक्सप्लेन वो क्या चेंज किया। जैसे क्या होता था, कस्टमर्स अपने नाम पे बिलिंग नहीं करवाता था, अपने एसोसिएट के नाम पे बिलिंग करवा लेता था जो उसका सिस्टर कंसर्न है। तो देखिए द वर्ड यूज्ड इज यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द कस्टमर, तो कस्टमर अदर देन छोड़ के हम उसके एसोसिएट से कर लेते थे। यार एसोसिएट तो रिलेटेड पार्टी है, बहुत ईजी हो जाएगा, तब तो कोई भी ये 194C का प्रोविजन को निगेट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला तुम चालू, हम तुमसे ज्यादा चालू है, कस्टमर या उसका एसोसिएट कंसर्न से भी अगर तुम खरीदा तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। कस्टमर या एसोसिएट कंसर्न या रिलेटेड पार्टीज तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो लेट्स एक बार सी वर्क में क्या इंक्लूडेड है। वर्क का डेफिनेशन में छोटा सा चेंज है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, और इट्स एसोसिएट, बींग अ पर्सन प्लेस सिमिलरली इन रिलेशन टू सच कस्टमर एज इज द पर्सन प्लेस्ड इन रिलेशन टू द SSC अंडर सेक्शन 48(2)(b)। बेसिकली बोलना चाह रहा है कि मटीरियल अगर कस्टमर से खरीदा गया या फिर उसके एसोसिएट से भी खरीदा गया है जो कि एक पर्सन है प्लेस सिमिलरली इन रिलेशन टू सच कस्टमर एज द पर्सन इज प्लेस, मतलब सर अगर आपको 48(2)(b) याद रहेगा तो यार रिलेटिव्स था, क्या था रिलेटिव्स, याद है अपने PGPP में एक सेक्शन पढ़ते थे, अगर आप एक्सेसिव पेमेंट कर रहे हो अपने रिलेटिव्स को जिसके लिए आपने एक एक्सपेंडिचर इंकर किया तो जो डिफरेंस होता था ओवर एंड अबव फेयर मार्केट वैल्यू वो आपका डिसअलाउ कर दिया जाता था जो एसेसिंग ऑफिसर करता। तो वहां पे रिलेटिव्स का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, यही बोल रहा है कि कस्टमर का भी उस डेफिनेशन में जो जो रिलेटिव्स निकल के आता है अगर आप उनसे भी मटेरियल परचेस किए तो भी ये वर्क माना जाएगा, तो पहले तो खाली कस्टमर था, कस्टमर के साथ साथ दे हैव आल्सो इंसर्टेड एसोसिएट,
एसोसिएट. तो एक इंपॉर्टेंट चेंज है, बट येस इट डज नॉट इंक्लूड वॉट, वर्क में क्या नहीं आएगा, क्लियर है एकदम. मैनुफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाई यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर दैन. कस्टमर को छोड़ दो या उसके एसोसिएट को छोड़ दो, इनसे छोड़ के किसी से भी अगर आप खरीद रहे हो तो डेफिनेटली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें टीडीएस नहीं कटेगा, दिस इज नॉट अ वर्क. बट कस्टमर से ही खरीद रहे हो या उसके एसोसिएट कंसर्न से खरीद रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा आपको. आई मेड क्लियर ऑन दैट? यस सर. तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन में चेंज आया वर्क का डेफिनेशन में, और बाद बाकी पूरा प्रोविजन सेम है. वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन 194J. देखिए 194J में भी चेंज आया. क्या है बताता हूँ, रेट्स ऑफ टैक्स में फर्क है. इसमें जो चेंज आया वो किस में है, रेट्स ऑफ टैक्स में. ठीक है, समझते हैं सर. आपको याद है 194J में चार तरह के पेमेंट्स होते हैं, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एंड नॉन कॉम्पीट फीस. ये चार है, चारों के लिए लिमिट क्या है, 30,000 इंडिविजुअली. क्लियर है 194J में 30,000 इंडिविजुअली. हाँ, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है. डायरेक्टर को कोई भी पेमेंट करो उसमें कोई लिमिट नहीं है, टीडीएस कटेगा. नाउ द पॉइंट इज 194J, टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, द रेट ऑफ टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी रेम्यूनरेशन और फीस और कमीशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अदर देन दोज ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर 192. ऑब्वियसली सर, अगर सैलरी में कोई पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस सैलरी में काट रहे हो, तो 194J में थोड़ी ना काटोगे. अगर टीडीएस सैलरी में काट रहे हो 192 में, तो 194J में तो ही ना काटोगे, क्योंकि सैलरी तो यार सैलरी है यार, और 194J प्रोफेशनल सर्विसेज है, सैलरी में 192 तो कटता है, प्रोफेशनल सर्विसेज में 194J कटता है. तो 194J आपको काटना कब है, जब आप सैलरी नहीं दे रहे हो डायरेक्टर को. अगर डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हो तो 192 में काटो, डायरेक्टर को प्रोफेशनल फीस का सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज का फीस दे रहे हो तो 194J में काटो. दिस अ वेरी थिन लेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 192 एंड सेक्शन 194J. 192 टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, जो सैलरी में आएगा, बट 194J टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, जो कि पीजीबीपी में आएगा. अगर मुझे कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज का इनकम मिला तो वो मेरा पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल है, और जो मुझे पेमेंट करेगा वो टीडीएस 194J में काटेगा. क्लियर हुआ? तो प्रोफेशनल सर्विसेज का में कोई क्या चेंज है सर, बस बता देता हूं. जो 10% का रेट है उसको चेंज कर दिया गया कुछ कुछ केसेस में 2%. सर 2% तो ऑलरेडी एक केस में था, अगर आपको याद है, कॉल सेंटर एम्प्लॉइज, कुछ याद आ रहा है, ऑपरेटिंग कॉल सेंटर एम्प्लॉइज है, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स है, तो उनके लिए 2% का टीडीएस रेट है. सच रेट ऑफ टीडीएस इज रिड्यूस टू 2% ऑफ सच सम इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. टीडीएस रेट 2% हो जाएगा इन केस ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज. याद रखेगा इस, चार पेमेंट होता है 194J में, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एंड नॉन कॉम्पीट फीस. Here we are talking about fees for technical services, not being a professional services. Yani professional services ka aaj bhi rate 10% hai, royalty ka aaj bhi rate 10% hai, aur non-compete fees ka aaj bhi rate 10% hai. Lekin kiska 10% nahi hai? टेक्निकल सर्विसेज का 10% नहीं है, उसका रेट क्या है, 2%. यानी टेक्निकल सर्विसेज में गवर्नमेंट ने स्कोप ऑफ टैक्स को रिड्यूस किया है, 10% से 2% किया है, बस ये ध्यान रखना है. और एक चीज में, रॉयल्टी पेमेंट्स पे 10% है, लेकिन एक नेचर का रॉयल्टी पे 2% कर दिया है, एक नेचर ऑफ रॉयल्टी पे 2% कर दिया. वो भी कौन सा रॉयल्टी, अगर आपको याद होगा, ये रॉयल्टी का डेफिनेशन में इंसर्ट किया गया था. अगर आपको याद है, हम आपको सेक्शन 9 में पढ़ाया गया था, सेक्शन 9 में रॉयल्टी का डेफिनेशन में थोड़ा चेंज किया गया था, और वो टैक्स ट्रीटीज, इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज के पैरिटी में रखा गया कि रॉयल्टी में जो भी कंसिडरेशन आपको मिल रहा है फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, आज जितने भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होते हैं जो सिनेमा थिएटर्स में लगते हैं, उसको ट्रांसफर करने पे भी आपको रॉयल्टी मिलता है, उस पे भी टीडीएस कटेगा, क्योंकि रॉयल्टी के डेफिनेशन में 194J कवर कर दिया गया है. I mean 194J का रॉयल्टी का डेफिनेशन में वो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स का राइट को कवर कर दिया गया है, तो वो रॉयल्टी में भी टीडीएस कितना रेट पे कटेगा, 2% रेट पे कटेगा, और बाद बाकी जो भी रॉयल्टी है उसमें 2% टीडीएस, आई मीन 2% नहीं 10% टीडीएस कटेगा. तो मेरे साथ साथ सर 194J में क्या चेंज है, 194J में बस यही है, 10% नॉर्मली सब में, खाली तीन केसेस में बच गया 2%. तीन केसेस में, एक तो जानते हैं बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग कॉल सेंटर ऑपरेटर्स को अगर पेमेंट करे तो 2% काटना, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट करे तो 2% काटेंगे, और रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पे भी आपको 2% ही टीडीएस काटना है, बाद बाकी सब केसेस में आप 10% टीडीएस काटेंगे. खैर दैट्स ओके, 194K नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स, इसको रीड कर लेना एक बार, इसको रीड कर लेना 194K, ठीक है, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स. ठीक है, नेक्स्ट आओ 194N. सर 194N में आपको बताऊं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है,
खाली एक छोटा सा चीज ऐड कर दिया है। 194N क्या था कुछ याद है आपको? सर कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, अगर किसी के उसके साथ अगर किसी का बैंकिंग अकाउंट है और उस अकाउंट से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा, कितना, 1 करोड़ से ज्यादा अगर विड्रॉल्स हो रहा है कैश में, बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो 1 करोड़ से ज्यादा उस बैंक अकाउंट से, एग्रीगेट जितने भी बैंक अकाउंट आप होल्ड करके रखो 1 करोड़ से ज्यादा अगर कैश विड्रॉ करे तो बैंक को 2% TDS काटना पड़ता है एक्सेस अमाउंट पे। एक्सेस मतलब 1 करोड़ से ज्यादा होते ही, 1 करोड़ से जितना ऊपर है उतना 2% उस पर TDS बैंक काटेगी सेक्शन 194N में। इतना तो पहले ही पता था, अभी कोई नया बात नहीं पड़ रहा है। इस सेक्शन में एक छोटा सा चेंज है, इस सेक्शन में एक छोटा सा चेंज है। 194N बोलता है कोई भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस पेमेंट कर रहा है, किसे पेमेंट कर रहा है, किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहा है, किसे पेमेंट कर रहा है, किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहा है, क्या पेमेंट कर रहा है, एग्रीगेट कैश पेमेंट, क्या पेमेंट कर रहा है, एग्रीगेट कैश पेमेंट फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन बाय द रेसिपिएंट, मतलब मेंटेन बाय द कस्टमर, जो भी कस्टमर उस अकाउंट, वन या मोर अकाउंट मतलब सारे अकाउंट्स को मिलाकर, अगर मान लो मेरा एक बैंक में 3-4 अकाउंट है, मेरा ही 3-4 अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, सारे अकाउंट से मिलाकर अगर मैं एग्रीगेट कैश पे विड्रॉ कर रहा हूं फ्रॉम माय अकाउंट, राइट, तो अप टू 1 करोड़ पे कोई TDS नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा पे एक्सेस पे 2% TDS है। कब कटेगा TDS? जब आप विड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली जब बैंक आपको पे करेगा ना कैश, कैश निकाल के देगा, तो आप बैंक आपका पूरा साल का लिमिट चेक करता है, 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड करते बैंक आपके ऊपर TDS काटेगा सेक्शन 194N में, ठीक है। नाउ इसमें यही छोटा सा चेंजेस आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक के ऊपर एक छोटी सी और लायबिलिटी बढ़ा दी गई है। देखिए TDS काटने की जिम्मेवारी हमेशा डिडक्टर के ऊपर रहती है, जो TDS काटता है बैंक इस केस में 194N में, वो TDS काटता है 194N में, बैंक इस डिडक्टिंग TDS, तो बैंक के ऊपर एक और लायबिलिटी डाल दिया। बैंक ने बोला सुनो, तुम्हारे जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, जो तुम्हारे जो अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ कर रहे 1 करोड़ से ज्यादा, आप उनके बैंक, उनके पेमेंट पे आप TDS काटिए। ये चीज तो पहले था ही, अब गवर्नमेंट बोलता है सुनो, मेरे भाइयों और बहनों, और एक प्रोविजन सुनो। वो प्रोविजन ये है कि 1 करोड़ की लिमिट तो बहुत है, लेकिन ये लिमिट कम भी हो सकती है, ये 20 लाख भी हो सकती है। लेकिन बैंक बोलेगा 20 लाख क्यों, आप तो 1 करोड़ बोले, तो 1 करोड़ की लिमिट है, बट 20 लाख कुछ केसेस में ये 1 करोड़ की लिमिट 20 लाख हो जाएगी। आई रिपीट, 1 करोड़ इज फॉर जनरल, बट इन सम स्पेसिफाइड केसेस दिस थ्रेशोल्ड लिमिट विल रिड्यूस टू 20 लाख, यानी 20 लाख के ऊपर कैश विड्रॉ होते ही आपका TDS काटना चालू। प्लस जो रेट पहले 2% होता था, उस रेट को बढ़ाकर 5% कर दिया जाएगा। तो सुन लो मेरे बैंक, जब कैश विड्रॉ हो रहा है, आपको उस SSC का जो बैंक अकाउंट आपके साथ होल्ड करके रखा है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल किया है क्या, क्या वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल किया है क्या। आपको उससे उसका एक्नॉलेजमेंट मांगना पड़ेगा, प्रूफ मांगना पड़ेगा, यानी बैंक के ऊपर तो बहुत लायबिलिटी बढ़ा दिया गया है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट हायर रेट, फर्स्टली, सेकेंडली द थ्रेशोल्ड लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड। जो 1 करोड़ के ऊपर सोचना पड़ता था, अब 20 लाख के ऊपर सोचना पड़ेगा, 20 लाख के ऊपर सोचना पड़ेगा, लेकिन किन के लिए, जो लोग टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते। तो बैंक अगर किसी पर्सन को पे करे, जो लोग टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उनको बैंक बोल देगा कि हम तुम्हारे कैश विड्रॉल 20 लाख के ऊपर जाते ही तुम्हारा TDS कटना चालू हो जाएगा। अब क्या करेगा सब लोग पता है, सब TDS, सब अपना रिटर्न टाइमली फाइल करेगा, बिकॉज बैंक को अगर पता चला और आप कैश विड्रॉल एक लिमिट के ऊपर किए, तो बैंक तो आपके पेमेंट पे TDS काटेगा ही काटेगा। तो दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। लेट्स रीड, दिस सेक्शन शैल अप्लाई विद अ मॉडिफिकेशन, एक मॉडिफिकेशन किया गया है इन केस ऑफ अ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब कस्टमर, बैंक का जो कस्टमर है, कस्टमर जो कि रिटर्न फाइल नहीं किया है फॉर ऑल ऑफ द 3 assessment years, मतलब सर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा 3 साल, तीनों का तीनों साल रिटर्न फाइल नहीं किया, तब होगा ये,
सर बीच में एक साल पहले का नहीं फाइल किया, उसके पहले का फाइल कर दिया था, उसके पहले का नहीं फाइल किया, मतलब तीन में दो फाइल कर दिया एक नहीं किया, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन बोलेगा 1 करोड़ के ऊपर ही तुम टीडीएस काटो। ये लोग जो फ्रीक्वेंट रिटर्न डिफॉल्टर्स है, मानते नहीं है, तीन तीन साल तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किए, तो बैंक बोला उनको सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारो, गवर्नमेंट बोला सुधारना पड़ेगा, तो बैंक को बोलो आप ज्यादा टीडीएस काट लीजिए उनका, अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं करते आप ज्यादा टीडीएस काट लीजिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आप ज्यादा टीडीएस काट लीजिए। तो मॉडिफिकेशन क्या है, दिस सेक्शन विल अप्लाई ओनली फॉर दोस रेसिपियंट हु हैज नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द थ्री असेसमेंट ईयर्स। सर कौन सा थ्री असेसमेंट ईयर? जो जिसका अभी तक टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। अब आप बोलेंगे, मेरा बात सुनिए, एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है सर, हम हमेशा करंट ईयर का बात करेंगे, तो पिछले साल का, यार पिछले साल का जो रिटर्न होगा उसका तो टाइम लिमिट इस साल, मतलब पिछले साल का इस साल हो गया ना, यानी पिछले साल का जो रिटर्न है उसका टाइम लिमिट तो इस साल एक्सपायर होगा, तो ये चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर पिछले साल का रिटर्न का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप ये कर नहीं सकते, आपको फिर उसके पिछले के तीन साल देखना पड़ेगा। बेसिकली आपको पिछला तीन साल देखना पड़ेगा जिसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। अब 139(1) इंपॉर्टेंट है, याद रखो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर, उस डेट के बाद तो एक्सपायर हो जाता है टाइम। तो हमेशा आपको चेक करना है पिछले तीन साल का रिटर्न जिसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द पेमेंट ऑफ द सम इज मेड टू हिम, बेसिकली जिस साल वो कैश विड्रॉ कर रहा है उसके पिछला तीन साल का देखो कि जिसका रिटर्न ऑफ टाइम इनकम टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, क्या वो तीनों साल में रिटर्न फाइल किया है क्या? अगर किया है तो भूल जाओ, ये मॉडिफिकेशन आपके लिए नहीं है। अगर पिछले तीन साल हो, तीनों साल का रिटर्न का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया और इन दैट केस आपका फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तब क्या होगा पता है? आपके ऊपर मॉडिफिकेशंस एप्लीकेबल हो जाएगा, जो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि 20 लाख के ऊपर ही बैंक क्या करेगा पता है? आपका टीडीएस काटना चालू कर देगा, और जो रेट 2% था उसको बढ़ा के कर देगा 5%, उसको बढ़ा के कर देगा पता है 5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन 194 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सम्स भी आने का पूरा चांसेस है। व्हाट आर दी मॉडिफिकेशंस? थ्रेशोल्ड लिमिट टू डिडक्ट टैक्स शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्रीगेट कैश पेमेंट ऑफ 1 crore टू 20 lakhs। अगर आप पिछले तीन साल में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया और उसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, बैंक आपको करंट ईयर में 20 लाख का लिमिट देगी, 20 लाख से ऊपर आप कैश विड्रॉ करते ही आपका टीडीएस कटना चालू हो जाएगा, जो पहले 1 crore था अब क्या हो जाएगा 20 लाख। अब इसका रिवाइज टीडीएस रेट क्या बताओ तो सर, अप टू 20 लाख कोई टीडीएस रेट नहीं है, हाँ 20 लाख से ज्यादा बट 1 crore तक 2% ही है, जो पहले था अभी भी वही है, लेकिन 20 लाख से स्टार्ट हो जाएगा वो 20 लाख, 21 लाख होते ही 1 लाख पे टीडीएस, 30 लाख होते ही 10 लाख पे टीडीएस, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो गैप है उस पे 2% टीडीएस कटेगा। हाँ 1 करोड़ से ज्यादा होते ही आपका टीडीएस रेट और बढ़ जाएगा 5, यानी सर जो पहले 2% था अभी वो 1 करोड़ तक 2 ही है, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2 है, और 1 करोड़ से ज्यादा होते ही वो क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको ये बात? तो वेरी इंपॉर्टेंट, यही एक छोटा सा चेंज है पूरे 194N में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा 194N को हटा के फिर से वापस से रीड्राफ्ट करके नया प्रोविजन डाल दिया, बट नेट इंपैक्ट जो चेंज है वो खाली इसी में है गाइस। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने एक पावर लेके रखा है कि ये वाला जो मॉडिफिकेशन है ये कुछ कुछ केसेस में सरकार अप्लाई नहीं करेगी, और उसके लिए सरकार रीजनेबल टाइम में नोटिफिकेशन लेके आएगी कि ये जो मॉडिफिकेशन है बहुत जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, जो नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। भले ही वो पिछले तीन साल में रिटर्न फाइल नहीं किया है, इन दैट केस उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ये सेक्शन, ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। 1 crore वाला एप्लीकेबल होगा, बट हाँ 20 लाख से 1 crore और 1 crore से ज्यादा पर जो 5% टीडीएस कटता था वो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एग्जेम द अबव मेंशन मॉडिफिकेशन इन द नोटिफाइड केसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट द रेसिपिएंट हूज केस द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई और अप्लाई एट अ रिड्यूस्ड रेट इफ सच रेसिपिएंट सैटिस्फाइज दिस कंडीशन स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194N, सेक्शन 194N का नॉन एप्लीकेबिलिटी ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम एज बिफोर, इसमें कोई चेंज नहीं है गाइस, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। गवर्नमेंट को अगर हम पेमेंट करते हैं, बैंक अगर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है कैश में, नो टीडीएस। बैंक अगर दूसरे बैंक को पेमेंट करता है या कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट करता है, पोस्ट ऑफिस को पेमेंट करता है, नो टीडीएस।
बैंक अगर अपने ही बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को पेमेंट करता है या कॉपरेटिव बैंक को पेमेंट करता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, उसमें भी नो टीडीएस। बैंक अगर एटीएम ऑपरेटर्स को, सर एटीएम में तो कैश रिफिल करना पड़ता है ना, वो बैंक ही तो पे करता है, तो बैंक क्या करता है एटीएम ऑपरेटर्स को डेली या मंथली या वीकली कुछ ना कुछ कैश देता रहता है जो उनके बिहाफ में एटीएम में रिफिल करके आ जाते हैं। तो बैंक को तो उनको कैश देना पड़ता है ना, तो क्या उसमें टीडीएस कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 194 एप्लीकेबल नहीं है। दैट वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक इन अकॉर्डेंस विद द ऑथराइजेशन इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ठीक है, इसमें भी आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन पावर लेके रखा है कि कौन कौन सा नोटिफाइड केसेस में सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर होगा तो रिड्यूस रेट में होगा, वो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू करेगा जो ऑलरेडी आया गया है और आपको रेगुलर क्लासेस में कराया गया है। जैसे एग्जाम्पल याद है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी CRAs कुछ याद आ रहा है, कमीशन एजेंट ऑफ रजिस्टर्ड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC, अगर उनको 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश चाहिए बिकॉज दे हैव टू परचेज समथिंग फ्रॉम फार्मर्स, तो फार्मर को कैश चाहिए, उसके लिए वो बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दैट केस दे हैव टू सर्टिफाई एंड दे हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट टू द बैंक, हैव टू डिक्लेयर, इन दैट केस 194NB TDS नहीं कटेगा। CRA जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी होते हैं जो ATM में रिफिल करते हैं कैश, और वो बता देते हैं, वो डायरेक्ट कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि जितना कैश उनको मिला है उतना ही कैश उन्हें ATM में जमा किया है, तो उस पे TDS का कोई भी implications नहीं आएगा। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कन्वर्टर्स होते हैं जो ऑथोराइज डीलर होते हैं, राइट, जिनको कैश देना पड़ता है बिकॉज दे हैव टू परचेज फॉरेन करेंसी, या जो इंडिया में विजिट करने के लिए आया वापस इंडिया लौट कर जा रहा है, या फिर जो इंडिया वापस इंडिया में रहता था, इंडिया से बाहर घूमने के लिए गया और वापस लौट कर डॉलर रिटर्न करना चाहता है, तो डॉलर रिटर्न करने के लिए उसको तो कैश देना पड़ेगा हमको, तो क्या उसमें TDS कटेगा? द आंसर इज नो। तो दीज आर द नोटिफाइड केसेस ऑलरेडी देयर, पहले अभी भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। खाली जो चेंज है, खाली नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के लिए चेंज है, जिसका लिमिट कर दिया 20 लाख, 20 लाख से 1 करोड़ तक होगा 2%, और 1 करोड़ से ज़्यादा होते ही हो जाएगा 5%, बस और कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, सो दैट्स इट, सेक्शन 194N भी कवर हुआ। अब आते गाइस एक नया सेक्शन, पूरा का पूरा नया सेक्शन, बहुत सिंपल है, आप लोग डेली करते हो। सर ऑनलाइन कौन नहीं सामान खरीदता आजकल? ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ऑनलाइन सामान नहीं खरीदता। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी खरीदते हो आप, और अब तो ऑनलाइन सामान भी खरीदने लग गया सब, स्पेशली कोविड पीरियड के बाद से तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बूम आया है, बूम। तो इसका फ़ायदा सरकार ने उठाया। सरकार एक ही चीज़ बोलते हैं, देखो भाई, आज अगर कोई सेलर है किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो किसी प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचा रहा है, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू वो प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचा रहा है, होता क्या है, ये बायर इस ई को पेमेंट कर देता है फॉर द प्रोडक्ट विच इज सप्लाइड बाय द बायर। ये बायर पेमेंट करता है ई को, ठीक है। तो ई को क्या करना है, मेरा ध्यान से सुना, ई जब सेलर को पे करेगा ना, तो इस ट्रांजेक्शन में TDS कटेगा। बहुत सिंपल, इस ट्रांजैक्शन में TDS कटेगा। कौन से ट्रांजैक्शन में? जब ई कॉमर्स, इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको एक्ट में डिफाइन किया गया ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, और ये जो सेलर है इसको बोला गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ये भी एक पार्टिसिपेंट है, इसको बोला गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। सो व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो इस पेमेंट पे TDS कटेगा। एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 194O, एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 194O। यस विनीत, वी विल डू इट डेफिनेटली, बट आई रिक्वेस्ट आप प्लीज अभी लाइव करिए। पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू अ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, सेक्शन 194O। तो 194O में बोलता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्यों पेमेंट करता है, पता है? तो क्योंकि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो ई कॉमर्स पोर्टल, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये लोग सब एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है ये सबका, कि ये लोग के पोर्टल में सेलर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है, तो जब पेमेंट जाता है तो सीधा फ्लिपकार्ट के पास जाता है, फ्लिपकार्ट अपना कमीशन काट के पेमेंट कर देता है सेलर को। तो आपको पता है इसमें TDS काटेगा फ्लिपकार्ट, वो सेक्शन है 194O, क्या काटेगा, 194 में TDS काटेगा, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। नाउ द पॉइंट इज कौन काटेगा TDS? ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा। किसके इनकम पे काटेगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो कि सेलर है उस पे काटेगा, ठीक है। क्या पेमेंट है? क्योंकि सेलर ने, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने गुड सेल किया है या सर्विस दिया है ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट विच इज फैसिलिटेटेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म।
इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपना गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए हमें पेमेंट मिल रहा है, उस पे ही टीडीएस कटेगा बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन पेइंग द सम टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अंडर सेक्शन 194O. डिडक्ट कब करना है टीडीएस? सेम, जब ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने बुक्स में क्रेडिटर बना देता है सेलर को, क्योंकि सेलर को उसको पे करना है तो सेलर को क्रेडिटर बना देता है. तो जब वो क्रेडिटर बना दिया सेलर को, दैट इज क्रेडिट द अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस ऑफ बोथ टू द अकाउंट ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, या फिर वो एक्चुअल पेमेंट कर दिया कि इस पार्टिसिपेंट को बाई एनी मोड, यानी बेसिकली बुक्स में क्रेडिट कर दिया या एक्चुअल पेमेंट कर दिया, विच एवर इज अर्लियर, उसे क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194O. रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा? 1%. रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा? 1%. 1% टीडीएस कटेगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, किस वैल्यू पे कटेगा ये ध्यान से आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, रेट ऑफ टैक्स इज 1%, वो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल्स और सर्विसेज और बोथ, जितना का भी सेल हुआ है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जितना का भी सेल हुआ है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उस वैल्यू पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा. किसे किसे किसे? ई कॉमर्स ऑपरेटर को. किसे पेमेंट करते समय? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को. आज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अगर 10 लाख का सेल कर लिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, तो 10 लाख पे सोचो जब वो पेमेंट कुछ भी करेगा ना, जिस अमाउंट का सेल हुआ है उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा उसको. भले ही वो अपना कमीशन इसमें रिड्यूस करेगा, बट उसको टीडीएस ग्रॉस अमाउंट पे काटना है. वेरी इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर देखेगा कितना रुपया का बिलिंग हुआ है भैया, कितना रुपया का सेल फिगर है ये बताओ. जो ग्रॉस अमाउंट है वो हम देखेंगे, नेट अमाउंट नहीं देखेंगे. इसमें ये भी बोल सकता था नेट अमाउंट आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन कमीशन, बट ये बोला नहीं इसमें. इसमें क्या बोला? पूरा ग्रॉस अमाउंट ले लो सेल का. जो ग्रॉस सेल है ऑफ गुड्स या सर्विसेज, उस वैल्यू पे 1% टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर को काटना है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के इनकम पे. अब काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा, सर मुझे बताइए, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर में प्रोडक्ट जरूर लिस्टेड होता है, बट जब बायर पेमेंट करता है वो मान लो कैश में पेमेंट कर दिया, कोई भी अदर मोड में पेमेंट कर दिया, किसे? डायरेक्टली कर दिया. देखो डायरेक्टली किसे पेमेंट कर दिया पता है? सेलर को पेमेंट कर दिया, यानी ईको के पास पेमेंट पहुंचा ही नहीं, डायरेक्ट पेमेंट बायर ने सेलर को, दैट इज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कर दिया. कस्टमर ने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कर दिया, सर ईको के पास पेमेंट आया नहीं. इन दैट केस क्या उस केस में भी टीडीएस काटना है? हाँ काटना है. यहां पे सिंपल बोला गया है, देखो ईको के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी सेल हुआ सब पे टीडीएस 194O में ईको को काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%, चाहे उसे डायरेक्टली पेमेंट मिला हो चाहे सेलर को डायरेक्टली पेमेंट मिला हो, काटना तो टीडीएस पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को, क्योंकि सेलिंग हो रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. तो 194O ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस आया. इन शॉर्ट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस आया. तो देखो नीचे लिखा है, पेमेंट मेड डायरेक्टली टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बाय द परचेजर शैल बी डीम्ड टू बी द, मान लिया गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पे किया है, कस्टमर पे किया है तुमको, बट मान लिया जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट किया है, दैट्स अ डीमिंग फिक्शन. तो इन दैट केस टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन ग्रॉस अमाउंट. ग्रॉस अमाउंट तो डीम टू बी द अमाउंट पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एंड इट इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस अमाउंट एंड इट इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस अमाउंट. ग्रॉस अमाउंट में इंक्लूडेड माना जाएगा. लिखा है, एनी पेमेंट मेड बाय अ परचेजर और रेसिपियंट ऑफ सर्विस डायरेक्टली टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट शैल बी डीम टू बी द अमाउंट क्रेडिटेड और पेड बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर to the e-commerce participant and shall be included in the gross amount of sale or services for the purpose of 194O. TDS काटना पड़ेगा सर. इन शॉर्ट आप ये समझो, जो भी बिलिंग होगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर को, उस पे TDS काटना पड़ेगा 194O में ऑन पेइंग द अमाउंट टू या क्रेडिटिंग द अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ क्या बोलते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. क्लियर है? तो इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 1% हमेशा कटेगा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे.
तो बेसिकली ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे एक छोटा सा TDS आया है। अब अपने चेक करते हैं इसका एग्जेम्पशन, इसमें कुछ एग्जेम्पशन ज़रूर है। छोटे छोटे इंडिविजुअल HUF को, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, धीरे धीरे अपना पंख फैला रहे हैं, पंख फैला रहे हैं मतलब धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन मोड में अपना बिजनेस को चलाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, छोटे छोटे लोगों को हम परेशान नहीं करेंगे, उनको हम TDS के एम्बिट से बाहर कर देंगे। हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को मना कर देंगे कि अगर वो किसी भी इंडिविजुअल HUF, जो इंडिविजुअल HUF सेलर है या ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो कि इंडिविजुअल का स्टेटस कैरी करता है या HUF का स्टेटस कैरी करता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर उन्हें पेमेंट कर रहा है, तो प्लीज़ ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिविजुअल HUF के पेमेंट पे, इनकम पे आप TDS मत काटिए, ठीक है ना। ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोल दिया तुम किसको पेमेंट कर रहे हो, मिस्टर ए, मिस्टर बी, HUF, BHUF, तो आप TDS मत काटो। लेकिन उसका कंडीशंस है, कंडीशंस क्या है, उनको बोला गया कि देखिए अगर वो इंडिविजुअल HUF आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है और उसकी ग्रॉस बिलिंग, कितनी बिलिंग, ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपया, सर एकदम छोटा पेमेंट है, साल भर में 5 लाख से ज़्यादा का ग्रॉस सेल नहीं हुआ है, तो आप अगर एक ऐसे इंडिविजुअल HUF को पेमेंट करो जिसका 5 लाख से ज़्यादा ग्रॉस सेल नहीं हुआ है आपके वेबसाइट के थ्रू, तो आप उस पर TDS मत काटो। यू आर नॉट सपोज टू डिडक्ट TDS प्रोवाइडेड आपका जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, जो इंडिविजुअल HUF है, वो अपना पैन नंबर दे दिया या आधार नंबर दे दिया, किसी ना किसी चीज को तो देना पड़ेगा, या तो पैन नंबर दे दिया या आधार नंबर फर्निश कर दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को लगे नहीं इसका सेल ज्यादा हुआ या फिर कुछ में, तो वो अप्रोप्रिएटली अगर उसके पास उसका पैन रहेगा ना तो TDS काट पाएगा, और आधार नंबर भी रहेगा तो आपको पता ही है पैन और आधार इज इंटरलिंक्ड, पैन एंड आधार इज इंटरलिंक्ड। तो ये हो गया एक एग्जेम्पशन फ्रॉम सेक्शन 194O, जो इंडिविजुअल HUF को पेमेंट किया जा रहा है जिनका ग्रॉस सेल पूरे साल भर 5 लाख से ज्यादा नहीं है और वो अपना पैन और आधार दे दिए, तो TDS उनके ऊपर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ऑपरेटर अंडर 194O, अगर किसी ट्रांजैक्शन में टैक्स डिडक्ट हो गया है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में टैक्स डिडक्ट हो गया है बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अंडर सेक्शन 194O और विच इज नॉट लायबल टू डिडक्शन अंडर द एग्जेम्पशन डिस्कस्ड अबव, मतलब वो इंडिविजुअल HUF वाला, देखिए ध्यान से सुनिए, जब ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिविजुअल HUF को पे कर रहा है और मान लो ग्रॉस वैल्यू 5 लाख से कम है, तो TDS 194O में कटता बट एग्जेम्प्ट किया गया इसलिए नहीं कट रहा है, या फिर किसी कंपनी को कोई भी पेमेंट कर रहा है तो TDS कटेगा, किसी कंपनी को पेमेंट कर रहा है तो TDS कटेगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो किसी ट्रांजैक्शन में अगर इको ऑलरेडी TDS काट रहा है या फिर उसको नहीं काटना पड़ा बिकॉज एग्जेम्पशन मिल गया है, तो वो किसी भी सेक्शन में लायबल नहीं होगा फॉर TDS अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ TDS चैप्टर। यानी अगर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही TDS नहीं काटना पड़ा या फिर TDS काट लिया, तो किसी भी दूसरे सेक्शन में TDS नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा प्रोविजन है, स्पेशली वो इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल HUF को एग्जेम्पशन भी मिल गया ना, तो कोई और सेक्शन में उनको TDS ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं काटना है। दिस इज टू प्रोवाइड अ क्लैरिटी दैट द सेम ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू TDS। देखिए आप बात समझिएगा, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, अब जैसे मान लो कोई सर्विसेज भी दिया जा रहा है, मान लो प्रोफेशनल सर्विसेज हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं, हो सकता है, तो प्रोफेशनल सर्विसेज पे तो 194J कटता है और आप ई कॉमर्स के थ्रू दे रहे हो तो 194O भी कटेगा, तब आप क्या करोगे, जे भी लगाओगे ओ भी लगाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो ई कॉमर्स इज अ वाइड गैम्बिट एंड यहां पर बोला है कि अगर ई कॉमर्स में कट गया तो बाकी सेक्शन में नहीं कटेगा, और ई कॉमर्स में तब कटेगा जब ई कॉमर्स के थ्रू ही आ रहा है। अगर मान लो प्रोफेशनल सर्विसेज अदर देन ई कॉमर्स आ रहा है, तब तो प्रोफेशनल सर्विस का बात ही नहीं, तब तो ई कॉमर्स का बात ही नहीं होता, लेकिन अगर सर्विस ई कॉमर्स के थ्रू दिया जा रहा है तो ई कॉमर्स में काटना पहले है। अगर कट गया है तो दूसरा सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होगा, और इस सेक्शन में अगर कट ही नहीं पाया तो भी दूसरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या? लेकिन इसमें एक छोटा सा नन्ना सा एक एक्सेप्शन है। यहां बोला गया है
दैट दिस एग्जेम्पशन, कौन सा एग्जेम्पशन पता है, ये जो एग्जेम्पशन दिया गया ना कि आपका दूसरा सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि आप 194 ओ में काटने के लिए लायबल ही नहीं थे, इफ नॉट लायबल, इफ नॉट लायबल फॉर डिडक्शन, इफ नॉट लायबल फॉर डिडक्शन। ठीक है, यहां पे आपको पूछा गया, यहां पे आपको बोला गया अगर आप डिडक्शन नहीं किए क्योंकि यहां पे एग्जेम्पशन मिल गया तो आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट किसी दूसरे सेक्शन में नहीं है, लेकिन इसी चीज का एक एक्सेप्शन है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जेम्पशन विल नॉट अप्लाई टू एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से दो सर्विसेज के ऊपर कर रहा है, होस्टिंग एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट होस्ट किया जा रहा है उसके थ्रू अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैसा मिला है तो ये वाला एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगा, उसमें टीडीएस कट जाएगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट में 194C अप्लाई होता है। तो होस्टिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट में एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब डबल डिडक्शन मत समझना। अगर मान लो इंडिविजुअल HUF को पे किया जा रहा है जिसमें ग्रॉस वैल्यू 5 लाख से कम है तो 194 तो नहीं कटा ना, तो फिर क्या कटेगा, होस्टिंग एडवर्टीजमेंट में कटेगा। होस्टिंग एडवर्टीजमेंट में ये एग्जेम्पशन नहीं है, होस्टिंग एडवर्टीजमेंट में टीडीएस कटेगा। या फिर कोई दूसरा सर्विसेज दिया जा रहा है विच आर नॉट इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रेफर्ड अबव, मतलब अगर कोई चीज 194 में कवर नहीं है उसको छोड़ के अगर कोई सर्विसेज दिया जा रहा है तो फिर इसमें भी एग्जेम्पशन नहीं है, इसमें भी टीडीएस काटना पड़ेगा। इन शॉर्ट सर, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस में जो कवर है वो ई कॉमर्स में रहेगा, अदर देन होस्टिंग एडवर्टीजमेंट और एनी सर्विसेज विच आर इन नॉट इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रेफर्ड अबव। समझ गया, तो ये दो चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आई मीन एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, 194 में नहीं कटा तो दूसरे सेक्शन में कटेगा। ठीक है, किस पे, होस्टिंग एडवर्टीजमेंट पे और कोई भी सर्विसेज पे जो सेल ऑफ गुड्स या अदर सर्विसेज जो 194 में एप्लीकेबल है उनके लिए नहीं है। अदर प्रोविजन सिंपल है सर, इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर गवर्नमेंट को लगा कि इस सेक्शन को इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहा है तो CBDT सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से गाइडलाइंस इसके ऊपर इशू करेगी। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी एवरी गाइडलाइन इशूड बाय द बोर्ड शैल, बोर्ड मतलब CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज में ये पेश किया जाएगा और ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे एज वेल एज ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, दोनों पे ये अपने आप बाइंडिंग हो जाएगा बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टीडीएस काटना है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज असेसमेंट करेगी तो दोनों के ऊपर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी डीम्ड टू बी द पर्सन, हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर को मान लिया जाएगा कि वही पे कर रहा है, किसको, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, क्योंकि अगर डायरेक्टली कस्टमर भी आई मीन परचेजर भी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है ना, आई रिपीट परचेजर भी अगर सॉरी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे कर रहा है ना तो तभी मान लिया जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ही पे किया है। रेलिवेंट डेफिनेशंस, ई कॉमर्स का मतलब इतना रेलिवेंट नहीं है, ये सब आप सब जानते हो यार, सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल नेटवर्क। ऑपरेटर कौन है, जो मैनेज करता है प्लेटफॉर्म को, जो मैनेज करता है प्लेटफॉर्म को वो है ऑपरेटर, जो प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है। पार्टिसिपेंट कौन है, जो इंडिया का रेसिडेंट है, पार्टिसिपेंट कौन है, जो इंडिया का रेसिडेंट है, सेल कर रहा है गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट्स दे रहा है डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ई कॉमर्स, वो है डिजिटली वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सर्विसेज में इंक्लूड वर्ड बोला है नॉट मीन्स, नहीं सर्विसेज में टेक्निकल सर्विसेज को भी डाला गया है, प्रोफेशनल सर्विसेज को भी डाला गया है जो हम 194J में पढ़ते हैं, मतलब वो भी आप ऑनलाइन मोड में दे सकते हो, वो भी 194O में कवर किया गया है सर्विसेज। क्लियर हुआ आपको, तो ये सारे प्रोविजंस है जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। बस दो बातें याद रखनी है गाइस, एक जो एग्जेम्पशन है 5 लाख वाला वो ध्यान रखना, पेमेंट टू इंडिविजुअल HUF 1% रेट है ये ध्यान रखना, ग्रॉस वैल्यू है ये ध्यान रखना, बस और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। डायरेक्ट पेमेंट अगर किया जा रहा है बाय द परचेजर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट तो भी 194 में टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर को काटना पड़ेगा, और एक बार 194 टीडीएस कट गया है तो दूसरे सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा, या फिर 194 में एग्जेम्पशन मिल गया है तो भी दूसरे सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन दो केसेस में कटेगा, एडवर्टीजमेंट होस्टिंग पे टीडीएस दूसरे सेक्शन पे कट सकता है और जो भी सर्विसेज विच इज नॉट कवर्ड विच इज नॉट इन रिलेशन टू सेल ऑफ गुड्स और अदर सर्विसेज रेफर्ड इन 194 उसमें भी टीडीएस नॉर्मल सेक्शंस में कट सकता है। ठीक है सर, दिस इज डन, 194 बहुत सिंपल है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एक बार पढ़ लेना, ठीक है एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट,
नो डिडक्शन टू बी मेड इन सर्टेन केसेस. सेक्शन 197 अगर आपको याद होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टीडीएस में, दिस इज बेसिकली निल विथहोल्डिंग. ये बात करता है बेसिकली किसका, निल विथहोल्डिंग का, कि आपको लोअर रेट ऑफ टैक्स काटना है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बेसिकली अपना लिए एक पावर लिया है कि गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी टीडीएस को एग्जेम्प्ट कर सकती है या लोअर रेट पे कटवाने के लिए बोल सकती है अगर कोई स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडीज एज द केस में भी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है. क्लियर हुआ? ओके सर, बहुत सिंपल है, समझ में आया. अब आते हैं नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 26A. ATM ड्यू डेट इज नथिंग बट टैक्स ऑडिट ड्यू डेट 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 26A, जैसे आप सबको पता था एक सेक्शन था 203AA, आपके मैट में होगा, देख लेना. फॉर्म 26A बेसिकली लिस्ट ऑफ डिडक्टी देता था, लिस्ट ऑफ डिडक्टी देता था ऑन होम टीडीएस इज, या लिस्ट ऑफ डिडक्टर समझो, जो टीडीएस डिडक्ट किया आपके इनकम पे, आपको फॉर्म 26A से पता चल जाता था कि कौन कौन आपके इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया है. ठीक है, तो फॉर्म 26A का जो रिक्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई किया गया है. सबसे पहले इसको ऑमिट कर दिया गया है. फॉर्म 26 का जो सेक्शन है दैट हैज बीन मॉडिफाइड, बेसिकली क्या बोलते हैं, इट हैज बीन चेंज्ड और इट हैज बीन डिलीटेड, और इसके बदले एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया है 285BB. इसके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया है, सेक्शन 285BB. एक बार पढ़ते चलिए, 203AA क्या था वो ये है, जो था आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, ऐसा फॉर्म जिसमें जितने भी लोग आपके ऊपर टीडीएस काटे हैं, आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है, आपको जो इनकम टैक्स रिफंड मिला है, वो सारा फॉर्म 26S ऑटोमेटिकली इट इज जनरेटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओवर इट्स ई फाइलिंग वेबसाइट. ई फाइलिंग वेबसाइट क्या हुआ कि आपका एक रजिस्टर्ड अकाउंट होता है ऑनलाइन, उसके थ्रू अपना सारा इनकम टैक्स रिटर्न का कंप्लायंसेस करते हो, प्रोसीजर करते हो, फाइलिंग करते हो, वो सब रजिस्टर्ड अकाउंट के थ्रू करते हो. अब गवर्नमेंट क्या किया है, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एनहांसमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्म में कैप्चर किया जाएगा. मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मान लो आप किसी इमोल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका ट्रांजैक्शन का लिंक भी आपका उस फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा. मल्टीपल शेयर ट्रांजैक्शंस को भी इस फॉर्म में डाला जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आपके इस फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता चले कि आपने क्या क्या हैवी वैल्यू ट्रांजैक्शन किया, और आपको भी पता चले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पता है, और वो आपको कभी भी पकड़ के कभी भी आपका इनकम टैक्स को रीअसेस किया जा सकता है. ठीक है, इन लाइट ऑफ द अबव एंड एक्सपैंड द स्कोप फॉर्म 26 को उसको और बड़ा बनाने के लिए इन्होंने एक वर्ड इंसर्ट किया जिसको हम बोलते हैं AIS, जिसे बोलते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट. तो इट इज प्रपोज टू ऑमिट 203AA, दैट इज फॉर्म 26S वाला सेक्शन, एंड इंसर्ट अ न्यू सेक्शन दैट इज 285BB टू मैंडेट द इनकम टैक्स अथॉरिटी टू अपलोड इन द रजिस्टर्ड अकाउंट. ये हो गया आपका ई फाइलिंग अकाउंट. क्या हो गया पता है, ई फाइलिंग अकाउंट ऑफ द SSC एन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जैसे सेल और परचेज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, शेयर ट्रांजेक्शन, TCS कितना क्रेडिट है, TDS कितना है, आपने टैक्स कितना पे किया, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास एक, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब टाइम में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट अपने रजिस्टर्ड अकाउंट जो होल्डर है, जो SSC, उसके रजिस्टर्ड अकाउंट में उसको फर्निश करना पड़ेगा. रजिस्टर्ड अकाउंट क्या हुआ, ई फाइलिंग अकाउंट रजिस्टर्ड बाय द SSC इन डिजाइनेटेड पोर्टल, दैट इज इनकम टैक्स ई फाइलिंग. IncomeTaxEFiling.gov.in. That is the web portal designated as such by the income tax authority or the person authorized by such authority. Sir, ये तो भयंकर amendment है, भयंकर COVID relaxation. This is what? COVID relaxation. This is COVID relaxation. बहुत ये amendment COVID के through आया था. COVID pandemic में वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, इसलिए TDS का रेट को कम कर दिया गया. टेम्पोररी पीरियड है ये, ठीक है, ये है 14 May 2020 से लेकर 31 March 2021. इस पीरियड में कुछ कुछ सेक्शन से TDS को 25% रिड्यूस कर दिया गया. मतलब अगर कोई 10% कट रहा है तो इस पीरियड में 7.5 कटेगा, तो आपको अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन में भी कम काटना है, ओनली फॉर दिस पीरियड 14 May 2020 से लेकर
31 मार्च 2021। दिस अ वन टाइम चेंज, ये कभी चेंज रिपीट नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, ये खाली एक ही बार हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। तो लोअर डिडक्शन इन सर्टेन केसेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड, सेक्शन 197B बोल के एक सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया, वाइट टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2020। ठीक है, ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको लाया गया था और 197B एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जो बोलता है कि कौन कौन से सेक्शन में। अब ये देखिए 193 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब 192 में एप्लीकेबल नहीं है, और 192A याद है सैलरी और प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम RPF, ये दो सेक्शन पे ये लोअर रेट एप्लीकेबल नहीं है, यानी इस पर पूरा नॉर्मल जैसे रेट है वही कटेगा। तो 193, 194, 194A, C, 194D, अब देखो इसमें 194B लॉटरी, लॉटरी पे भी कोई रिडक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा ये सब मैं लिखते जा रहा हूँ, किसके किसके ऊपर रिडक्शन नहीं है, 192 इसमें रिडक्शन नहीं, क्योंकि ये सब इसमें मेंशन नहीं है, इसमें जो जो सेक्शन मेंशन है उसी में रिडक्शन है 25% से। तो 193, 194, 194A, 194C, 194D, 194DA, 194EE, देखो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, हम नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को 194E में TDS काटते हैं, उनका भी यह जिक्र नहीं है, सीधा 194EE है, 194F, 194G, 194H, 194I, IA, IB, IC ये सब कवर्ड है, J भी कवर्ड है, K भी कवर्ड है, LA याद है कंपलसरी एक्विजिशन एनिमल प्रॉपर्टी वो भी कवर्ड है, LBA, LBB, LBC ये सब नॉन रेसिडेंट्स वाला है इंटरेस्ट इनकम, 194M याद है सर, 194M में वो कवर्ड है जो CHJ में, 194C, 194H और 194J में लायबल नहीं है TDS काटने के लिए, वो TDS काटेंगे 194M में, वो TDS काटेंगे 194M में। देखिए याद, देखिए लिख लीजिए 194N कैश विड्रॉल्स, जो 2% TDS रेट था और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में भी 2% था और 1 करोड़ से ज़्यादा 5% है फॉर नॉन फाइलर्स, उसके ऊपर भी ये रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो 194N या कवर्ड नहीं है, बट ई कॉमर्स वाला कवर्ड है, उसके ऊपर भी रिडक्शन 25% से एप्लीकेबल है। तो इन सब सेक्शंस में रिक्वायर्ड TDS ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 14th May 2020 to 31st March 2021, देन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, ये सेक्शन में कोई भी चीज़ अगर लिखा, कोई भी चीज़ लिखा हो, द TDS शैल बी मेड एट द रेट बींग द 3/4 ऑफ द रेट स्पेसिफाइड, मतलब 3/4 मतलब आपको उसका 75% काटना है, मतलब 25% कम करना, समझ गए, जिसे 10% है तो 10 का 3/4 कितना हुआ, 7.5 ही तो हुआ, तो अकॉर्डिंगली आप कैसे भी कैलकुलेट करो आपको 25% कम काटना है इन पीरियड के बीच में। तो ये जो भी सेक्शंस आप जहां पे भी पढ़े हो प्लीज वहां पे -25% अपने मैट में जाके रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट आता है टीसीएस। सर TCS में हम लोग ने एक प्रोविजन पढ़ा था 206AA कि डिडक्टी का पैन नंबर लेना पड़ेगा तब जाके आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिडक्टी अपना पैन नंबर नहीं दिया या इनवैलिड पैन दिया, गलत पैन दिया, तो यू हैव टू डिडक्ट TDS एट द हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग रेट्स, पहला रेलिवेंट प्रोविजन में जो रेट स्पेसिफाइड है, रेट्स इन फोर्स या 5%, 5% तक भी TDS काटना पड़ सकता है, ठीक है, 5% पे भी TDS, एक सेकेंड, ये बेसिकली क्या है ना 20% था, ये 5 चेंज हुआ है, पहले यहाँ पे प्लीज 20 करो, दिस इज 20%, हुआ क्या कि ये जो 20% है ना, ये जो 20% है 194 सोचो, आ सोचो ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है और उस पर 194 पे वो 1% TDS काट रहा है, सोचो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना पैन नहीं दिया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन नहीं दिया, तो ई को क्या करेगा पता है 206AA में, तो क्या करता वो 20%, माई गॉड, एक का 20% TDS काट लेता, गवर्नमेंट बोला यार इतना ज्यादा नहीं करेंगे, ये 20 नहीं करो, ये 5 कर दो, कितना 5, लेकिन ये सेक्शन खाली 194 के लिए ही है, मतलब ये बोला है जो 5% आप करोगे ना, दिस 5% इज ओनली फॉर 194, तो ध्यान रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूँ, बोलेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट डिड नॉट फर्निश पैन टू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड द सेल मेड थ्रू दिस वेबसाइट वॉज दिस एंड दिस, तो आपको याद आएगा अरे 206AA लगाओ 20% गॉन, अमेंडमेंट आ गया, 20% नहीं है 5% है मैक्सिमम, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर TDS काटेगा इवन अंडर 206AA तो 194 में मैक्सिमम कितना काट सकता है पता है 5%, उससे ज्यादा नहीं काट सकता, ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब आते हैं दो सेक्शन नया, अगेन दो बड़ा बड़ा सेक्शन, मैं बोला TDS थीसिस में बहुत चेंजेस आए, दो बड़ा बड़ा सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए, 206C जैसे आपको पता है TDS TCS का
सेक्शन है, उसमें 1G बोल के एक सेक्शन है और 1H, ये दो प्रोविजन इंसर्ट हुआ है, बस खत्म आज का अमेंडमेंट। ये तो हम करेंगे, उसके बाद आपका आज का अमेंडमेंट खत्म हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, आराम आराम से समझते, कोई हड़बड़ी नहीं है। TCS का कॉन्सेप्ट आपको याद है ना? हाँ सर, सेलर ऑन प्रिस्क्राइब गुड्स एंड सर्विसेज बायर से TCS कलेक्ट करता है, जैसे 206C सबसेक्शन 1 है, 1C है, 1C के बाद 1F है, फिर 1F के बाद G आया और H आया। 1F याद है मोटर कार, ठीक है, वैसे 1G है और 1H है, तो 206C सबसेक्शन 1G। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइडनिंग द स्कोप ऑफ 206C टू इंक्लूड TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस, मतलब इंडिया से इंडिया के बाहर आप फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हो, थ्रू व्हाट? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक स्कीम है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को बाहर अब्रॉड कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में इंडियंस इंडिविजुअल्स लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में फॉरेन रेमिटेंस कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन का हो, कोई भी चीज का खर्चा हो, उसमें वो फॉरेन रेमिटेंस कर सकते हैं। तो उस फॉरेन रेमिटेंसेस पे TCS का एप्लीकेशन आया गया, उस फॉरेन रेमिटेंसेस में TCS का एप्लीकेशन आया। प्लस जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं जो ओवरसीज टूर पैकेज ऑर्गेनाइज करते हैं, ओवरसीज टूर पैकेज, जैसे मान लो मैं अगर एक क्लाइंट इंडिया में है, मैं उनके लिए अगर कोई टूर पैकेज प्लान कर रहा हूँ इन स्विट्जरलैंड, तो मैं उनसे कुछ 5-6 लाख रुपीज कलेक्ट कर रहा हूँ, उनके लिए मैं पूरा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं ओवरसीज, मतलब बाहर लेकर जा रहा हूँ उसको, या बाहर वो जा रहा है ओवरसीज ट्रिप प्लान करें, उसके ऊपर भी मुझे क्या करना पता है? TCS कलेक्ट करना है क्लाइंट से, मुझे बाहर से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TCS ट्रांजैक्शंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन फॉरेन रेमिटेंसेस थ्रू लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एज वेल एज ओवरसीज टूर पैकेज, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से रिसीट्स पे TCS कलेक्ट होगा। पहला, एनी ऑथोराइज्ड डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया, मान लो आपको ये पता है ना, सपोज आपको फॉरेन रेमिट करना है कुछ अमाउंट, जैसे मान लो 10 लाख रुपया रेमिट करना है, तो 10 लाख का इक्विवेलेंट डॉलर, 10 लाख का इक्विवेलेंट डॉलर ऑथोराइज डीलर जो है, जो बैंकर है, वो रेमिट करेगा। तो जो बैंकर रेमिट करेगा ना, उसी पे TCS कलेक्ट हो रहा है, रेमिटेंस पे TCS कलेक्ट हो रहा है। तो बैंकर जब आपसे पेमेंट लेगा ना, तो उस पे TCS भी कलेक्ट कर लेगा कि अच्छा तुमको 10 लाख रुपया भिजवाना है, तुमको 5000 डॉलर भिजवाना है बार, तो 5000 डॉलर तो हम भिजवाते हैं कि मेरे थ्रू ही तुमको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और उसमें TCS हम तुमसे चार्ज करेंगे। तो TCS being an authorized dealer who receives an amount for remitting out of India from a buyer being a person remitting such amount out of India, मतलब जो person को India के बाहर remit करना है उसी को buyer बोला जा रहा है, और seller कौन है? जो कि authorized dealer है, जो से पैसा ले रहा है और remit कर रहा है। Under this scheme, liberalized remittance scheme of RBI, तो वो authorized dealer is liable to deduct, collect TCS, वो TCS भी collect करेगा साथ में, ठीक है। बैंकर वाला ट्रांजैक्शन है भाई। ऑथराइज्ड डीलर वो पर्सन होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज करके रखी है, जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करता है। हम लोग डायरेक्टली कभी भी फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते। और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में क्या है ये समझ लो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेमा एक्ट के हिसाब से इसको अलाउ करके रखा है, एक स्कीम बना के रखा है कि सारे इंडिया के रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स, दे कैन फ्रीली रेमिट अप टू $2,50,000, $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर वो एक इंडिविजुअल इंडिया के बाहर रेमिट कर सकता है। जितने भी करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये आपके लॉ वाले सर आपको सिखाएंगे। इनफैक्ट ऐसा फेमा एक्ट अगर आप पढ़ोगे तो ये आप सीख जाओगे कि बहुत सारे अकाउंट, मतलब दोनों टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शन करेंट ट्रांजैक्शन, दोनों के लिए मैक्सिमम 2.5 लाख तक आप फ्रीली रेमिट कर सकते हो, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन नहीं चाहिए। तो जब आप रेमिट करोगे तो आप डायरेक्ट तो रेमिट करोगे नहीं, आप जाओगे किसी ऑथराइज डीलर के पास, उसको बोलेंगे जाइए पेमेंट कराओ। ऑथराइज डीलर जनरली बैंक्स हो गए या मनी एक्सचेंजर हो गए, उनको बोलेंगे कि ये लीजिए आप पेमेंट लीजिए और आप रेमिट कर दीजिए। तो वो क्या करेंगे, जब आपसे पेमेंट रिसीव करेंगे उस रेमिटेंस पे जो करेंगे उस पे TCS कलेक्ट कर लेंगे अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1G। तो ये हो गया पहला। दूसरा, अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, अ सेलर ऑफ एन एक ओवरसीज टूर पैकेज हु रिसीव्स एनी अमाउंट फ्रॉम अ बायर बींग द पर्सन हु परचेजेस द पैकेज, ऑब्वियसली जो पैकेज खरीद रहा है उससे हम
TCS कलेक्ट करेगा ओवरसी स्टोर प्रोग्राम पैकेज के ऊपर। व्हाट इज ओवरसी स्टोर पैकेज? सर सिंपल है, जो आप समझ रहे हो, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, इंक्लूडिंग फॉरेन बोर्डिंग, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा। ओवरसी स्टोर पैकेज मींस एनी टूर पैकेज विच ऑफर्स विजिट टू अ कंट्री और कंट्रीज और टेरिटरी और टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया एंड इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवल और होटल स्टे और बोर्डिंग और लॉजिंग और एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर और इन रिलेशन टू। तो मतलब फिर से, अगर कोई विजिट इंडिया के बाहर हो रहा है, इंडिया के बाहर किसी टेरिटरी में रहे, उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूडेड है, होटल स्टे इंक्लूडेड है, बोर्डिंग लॉजिंग रहना खाना सब और एनी एक्सपेंडिचर सिमिलर नेचर सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, वो है ओवरसीज टूर पैकेज। उसके ऊपर सेलर को TCS कलेक्ट करना पड़ता है बायर से अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1G। ठीक है सर, टाइम ऑफ कलेक्शन क्या है? ऑब्वियसली सेम, इसमें कोई डेबिट नहीं है। सेलर हमेशा अपने अकाउंट में आपको क्या करेगा? डेबिट करेगा, क्योंकि आप उसके डेटर हो, राइट? आप उसको पे करोगे तो सेलर अपने अकाउंट में आपको क्या करेगा? डेटर को डेबिट करेगा या फिर आपसे रिसीव करेगा, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लिएस्ट ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेबल बाय द बायर और रिसीट ऑफ अमाउंट बाय एनी अमाउंट, विच एवर इज अर्लियर। TCS का रेट याद रखना कितना है? 5%। TCS का रेट क्या है? 5%। सेलर इज लायबल टू कलेक्ट TCS एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, अब इसमें दो एक्सेप्शन समझते हैं, ऑथोराइज डीलर के लिए ये एक स्पेशल प्रोविजन है। इसमें पहला, नो TCS कलेक्शन इज रिक्वायर्ड वेर अमाउंट इज रेमिटेड इज फॉर अ पर्पस अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। ध्यान से, मान लो अगर आप किसी फॉरेन एजेंसी से अपना ओवरसीज टूर पैकेज का बुकिंग करा रहे हो, किसी फॉरेन क्लाइंट्स, आप उसको रेमिट कर रहे हो, तो ऑथोराइज डीलर को जब वो रेमिट कर रहा है फॉर पर्पस अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज, मतलब अगर ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम के लिए, यस दिलीप यू आर करेक्ट, सेक्शन 35 में भी, गाइस याद रखना, ये तो देखिए फाइनेंस एक्ट 16 में आ गया था, ये सेक्शन 35 में भी जो भी PGBP में आपको 150% जो आपको स्पेशल SACs के केस में 200% 150% रिडक्शन मिलता था ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या करेंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब हट के अब हो गया है 100%। ठीक है, सेक्शन 35 में जो रेट्स ऑफ डिडक्शन है वो सब हट के हो गया है अब 100%, उसको ध्यान रखिएगा। वेरी गुड पॉइंट। देखो मैं वापस आता हूं 206C सबसेक्शन 1G में, नो TCS कलेक्शन इज रिक्वायर्ड वेर अमाउंट इज रेमिटेड फॉर अ पर्पस अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज, हाँ परचेज ऑफ ओवरसीज पैकेज के लिए कर रहे तब TCS कलेक्ट करना है, वरना नहीं करना है। इफ द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रेमिटेड बाय अ बायर इज लेस देन 7 लाख इन अ फाइनेंशियल, मतलब इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आप रेमिट करवा रहे हो फॉरेन पैकेज के लिए तो फिर वहां कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ के अगर कोई ऑथोराइज डीलर रेमिट कर रहा है तो TCS निकले, मतलब एक छोटा सा लिमिट दे दिया कि 7 लाख से ज्यादा अगर एक साल में रेमिट नहीं हुआ है बाहर इन अ फाइनेंशियल ईयर तो TCS आपको नहीं काटना। TCS शैल बी कलेक्टेड बाय एन ऑथोराइज डीलर फ्रॉम द बायर एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द अमाउंट और एग्रीगेट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रेमिटेड बाय अ बायर इन अ फाइनेंशियल ईयर। बायर ने जो भी रेमिट किया एक साल में 7 लाख से ज्यादा, उस पे ही 5% एक्सेस अमाउंट पे ही 5% TCS ऑथोराइज डीलर कलेक्ट करेगा। तो एक 7 लाख का लिमिट है फॉर ऑथोराइज डीलर। ओवरसीज टूर पैकेज के लिए कोई लिमिट नहीं है, ओवरसीज टूर पैकेज के ऊपर ये एप्लीकेबल भी नहीं है, जो है ऑथोराइज डीलर के ऊपर एप्लीकेबल है। और एक रिड्यूस TCS रेट भी एक जगह बोला गया है, नॉर्मली आपको 5% TCS कलेक्ट करना है, बट एक केस में आपको खाली 0.5% TCS कलेक्ट करना है। या मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो आपने किसी से लोन लिया, उसको आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और उसका डिडक्शन आप ATE में ले रहे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब आपने लोन लिया उसको जब आप रीपे करोगे तो किसी ऑथोराइज डीलर को बोलेंगे ना रेमिट करने के लिए। तो इन दिस केस क्या बोल रहा है, इफ द अमाउंट रेमिटेड आउट इज अ लोन ऑब्टेंड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ATE में रेफर्ड है, जो ATE में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के बाहर भी हो सकता है, तो इन दैट केस अगर उनको रेमिट किया जा रहा है, उनको लोन रीपे किया जा रहा है, तो इन दैट केस TCS रेट रिड्यूस्ड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एनी एजुकेशन दैट इज जस्ट 0.5%, वो भी 7 लाख के ऊपर।
0.5% of the amount aggregate of the amount in excess of 7 lakhs remitted by the buyer in a financial year. मतलब सर आप समझ नहीं रहे, बायर जो है ना, बायर से टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है. अगर मान लो 7 लाख के ऊपर, मान लो 10 लाख का रेमिटेंस है ना, तो 10 लाख पे टीसीएस भी बायर से कलेक्ट किया जाएगा, जो ऑथोराइज डीलर को बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा. ऐसा मत सोचना कि फॉरेन कंट्री वाला लोग पे हम इम्पैक्ट करें, नहीं, हम बायर जो इंडिया में है, जो मेरे को पैसा दे रहा है और मैं उनको रेमिट कर रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया उनके पर्पस के लिए, तो उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है. समझ रहे हैं आप? तो बायर इज अल्टीमेटली सफरिंग दैट टीसीएस. इनडायरेक्ट वे में बायर इज सफरिंग दैट टीसीएस. हो गया. तो 0.5% याद रखना, 7 लाख का लिमिट है याद रखना है, 5% टीसीएस रेट है याद रखना है. नो टीसीएस कलेक्शन बाय ऑथराइज्ड डीलर इफ इट हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर. आई होप यू अंडरस्टूड. अगर मान लो एक्चुअल जो सेलर है वो कलेक्ट कर लिया है ना, तो फिर ऑथोराइज डीलर को क्यों करना है यार? ऑथोराइज डीलर को तभी करना है जब सेलर नहीं कर रहा है. अगर सेलर कर लिया है तो ऑथोराइज डीलर नहीं करेगा. तो ऑथोराइज डीलर शैल नॉट कलेक्ट टीसीएस ऑन एन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सम हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर. अगर सेलर कलेक्ट कर चुका है टीसीएस उस ट्रांजैक्शन पे, तो फिर ऑथोराइज डीलर को कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सर, टीसीएस में और दो तरह के हमारे एग्जेम्पशन है. वो एग्जेम्पशन क्या एक बार समझ लेते हैं. समझो, अगर सेलर ने बायर को सेल किया, राइट, अगर बायर ने सेलर को पे करते समय टीडीएस उस ट्रांजैक्शन पे काट लिया, तो गवर्नमेंट बोले यार जब टीडीएस कट गया तो फिर टीसीएस क्यों कटेगा. एग्जेम्पशन बोलता है, द बायर अगर लायबल है टू डिडक्ट टीडीएस अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड हैज डिडक्टेड सच अमाउंट, तो फिर टीसीएस नहीं लगेगा. तब सेलर को उस पर टीसीएस कटने की रिक्वायरमेंट नहीं है. या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, अ लोकल अथॉरिटी, या कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है फॉर दिस पर्पस, अगर वो बायर है तो उनके ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा. मतलब अगर गवर्नमेंट के साथ डीलिंग हो रहा है, एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट्स, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ये लोग के साथ अगर डीलिंग हो रहा है, ये लोग अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, तो इसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा. दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टीसीएस अंडर सेक्शन 260 सबसेक्शन 1G. ठीक है. तो 260 सबसेक्शन 1G में भी ये डिडक्ट कलेक्ट नहीं होगा. ठीक है. तो सर टीसीएस 260 1G, अगर आप शॉर्ट में समझो, 7 लाख का लिमिट याद रखना ऑथोराइज डीलर के लिए. ये लिमिट ओवरसीज पैकेज के लिए नहीं है, 5% रेट है. और ऑथोराइज डीलर को और ओवरसीज स्टोर पैकेज प्रोग्राम में टीसीएस एट द रेट ऑफ 5% कलेक्ट होगा. लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का लिमिट क्या है, अप टू $250,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी फ्रीली रेमिटेड आउटसाइड इंडिया बाई ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल. तो उस पर टीसीएस बेसिकली फॉरेन रेमिटेंसेस पे आया और ओवरसीज टूर टू प्रोग्राम पैकेज पर आया. ठीक है. एक बार पढ़ के चले जाना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है इससे आने का, बट हो सकता है आपसे एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन पूछ ले. तो अगर आपको ये सब याद रहेगा, 7 लाख ये सब याद रहेगा, तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड आप इजीली रिमेंबर कर पाओगे. याद रखना, लोन के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रीपे करेंगे उसके लिए रेट है 0.5%, ये ध्यान रखिएगा, 7 लाख के ऊपर. बस हो गया. बस ये लास्ट सेक्शन है 261H 1G कर लिए, अब अपने 1H कर रहे हैं. ठीक है. बस उसके बाद कुछ नहीं, डन डन डना डन डन, बस ये लास्ट सेक्शन है. आ जाइए. ये तो भैया हरदम मचा दिया था, 261H तो एकदम बवाल मचा दिया था पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया में ऐसा कभी टीसीएस लगा है. सोचिए, मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ आपको. एक सेलर अगर बायर से पूरे साल भर में, पता है, 50 लाख से ज़्यादा ले लिया, अगर 50 लाख से ज़्यादा रिसीव कर लिया, अगर सेलर बायर से इस साल 50 लाख से ज़्यादा एग्रीगेट अमाउंट रिसीव कर लेता है, तो उसे टीसीएस एट द रेट 0.1% काटना पड़ता है. TCS एट द रेट 0.1%, ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ 50 लाख, मतलब 50 लाख पे कोई TCS नहीं कलेक्ट करेगा. अगर 70 लाख कलेक्ट किया तो 20 लाख पे 0.1% TCS सेलर को बायर से कलेक्ट करना पड़ेगा. यानी सर, अगर मैं किसी, बेसिकली मैं अपने हाई वैल्यू कस्टमर से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है. ये क्यों किया जा रहा है, ये सब क्यों किया जा रहा है? इसका वजह ये है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहती है. अगर आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को बताएंगे कि आपने किस वैल्यू पे टीसीएस कलेक्ट किया, किसके वैल्यू पे टीसीएस कलेक्ट किया. तो गवर्नमेंट बायर का भी चेक कर लेगी, आपका भी चेक कर लेगी, दोनों का क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा. दैट इज वाई टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर ट्रायल चेक किया जाता है कि हाँ, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को कैप्चर किया जा रहा है. इसलिए टीडीएस टीसीएस में इतना चेंजेस आ रहा है.
तो TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स ओवर अ लिमिट, सेलर विल कलेक्ट, बायर से कलेक्ट एनी गुड्स, कोई भी गुड्स बेच के, कोई भी गुड्स बेच के अगर हम कोई भी गुड्स बेचते हैं उसको, तो इन दैट केस हमको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, इन दैट केस हमको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा. थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख. थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख इन एनी फाइनेंशियल ईयर अदर देन द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया और गुड्स कवर्ड इन सेक्शन 261F. ये क्या पता है? मोटर कार. ये क्या है? मोटर कार. तो मोटर कार के केस में आपको 261F कटता है तो वो इसमें नहीं आएगा. आज मान लो मैं मोटर कार बेच रहा हूँ 80 लाख रुपए में, तो क्या है इसमें TCS कलेक्ट करेगा क्या? मोटर कार के लिए ऑलरेडी अलग से TCS का सेक्शन है, दैट इज 261F. ठीक है ना, 261F में ऑलरेडी आप मोटर कार के ऊपर TCS सेपरेटली कलेक्ट करते हो. इनफैक्ट 1G में भी अगर मान लो फॉरेन रेमिटेंस हो रहा है या ओवरसी स्टोर पैकेज प्रोग्राम के लिए आप सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑलरेडी आप TCS कलेक्ट कर रहे हो. तो वहाँ पे भी अगर 50 लाख से ज़्यादा हो गया तो इसमें नहीं आओगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आप कवर्ड हो. तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 50 लाख से ज़्यादा. लेकिन हाँ, अगर आप किसी से, अगर आप मान लो इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट किए हो और वहाँ से आप पैसा रिसीव करो, तो क्या TCS कलेक्ट करोगे? डेफिनेटली नहीं. एक्सपोर्ट्स पे कैसे टैक्स लगाएंगे आप? या फिर कोई गुड्स अगर मोटर कार में कवर्ड है, या फिर ऑथोराइज डीलर या ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम फॉरेन रेमिटेंस में कवर्ड है, तो इन दैट केस ये 261H में नहीं आएगा. टाइम ऑफ कलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. डेबिट के समय नहीं करना है, बिकॉज डेबिट तो आप अभी कर लेते हो ना यार, उसको पैसा थोड़ी ना मिला आपको. ये बेसिकली लग रहा पता है ऑन रिसीव्ड, ये ध्यान रखना, दिस इज बेसिकली ऑन रिसीव्ड. जब आप रिसीव कर लोगे तभी आपको TCS कलेक्ट करना है, वरना नहीं कलेक्ट करना है. यानी सर ये कभी भी पता है, ये कभी भी बिल में चार्ज नहीं होता है. दिस इज नेवर रेज्ड ऑन इनवॉइस. आप जब बिल इशू करते हो अपने बायर को, मान लो 50 लाख से ज़्यादा का भी है, आप उसे रिसीव तो किए नहीं हो, तो आप उस समय TCS कलेक्ट नहीं करते हो. ये आपको कलेक्ट करना पड़ता है बाई वे ऑफ डेबिट नोट. जब आप उसको इन्वॉइस रेस करते हो, वो जो आपको पैसा दे देता है, तब आप उसके ऊपर डेबिट नोट रेस करते हो विद द अमाउंट ऑफ TCS. फिर आप उससे अलग से पैसा रिसीव करते हो. तो डेबिट नोट से ही हमेशा TCS रेस किया जाता है अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि रिसीट के टाइम पे बोल रहे हैं. किसके टाइम पे? रिसीट के टाइम पे. 0.1% है ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग ₹50 लाख. जैसे गाइस आप सबको पता है 206AA जो सेक्शन है ना, 206AA याद है कि डिडक्टर डिडक्टी से पैन लेगा. अगर डिडक्टी अपना पैन नहीं दिया तो डिडक्टर 20% तक DDS काट सकता है, बट 194 में वो में 5% है. सेम सेक्शन TCS में भी 206CC. 206CC बोलता है कि कलेक्टर हैज टू कलेक्ट पैन नंबर ऑफ कलेक्टी, एंड इफ कलेक्टी डज नॉट गिव दिस पैन नंबर, तो इसमें भी सेम है, मैक्सिमम 5% तक इसमें TCS कलेक्ट हो सकता है. कितना? 5%. तो इन दैट केस अगेन इस सेक्शन के लिए, किस सेक्शन के लिए? ये जो 206C हम पढ़े अभी, 206C1H, इसके लिए ये वाला सेक्शन में भी मॉडिफिकेशन किया गया कि अगर बायर इस केस में पैन या आधार नंबर नहीं देता सेलर को, तो फिर आप जो रेट करना वो मैक्सिमम 1 करना, 5 मत करना. यानी सर जो 194O था, जो 194O के लिए 5 था, यहाँ पे 206C1H के लिए 1% हो जाएगा. 194O के लिए 5 था, 206C1H के लिए 1% हो जाएगा. सो दिस इज अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशन इन सेक्शन नंबर 206CC. That's it guys, ये हो गया अपना. बस सेम चीज यहाँ पे भी है, exemption from requirement of TCS. It shall not apply if buyer is liable to deduct TDS under any other provision of this act on the goods purchased by him from the seller, and अगर वो TDS deduct कर लिया, मतलब TCS का section बोलता है ये वाला कि मान लो अगर buyer इस section, इस transaction में TDS काट लिया तो TCS collect नहीं होगा. दोनों चीज कैसे होगा यार, दोनों चीज कैसे होगा? TCS भी कलेक्ट हो रहा है, TDS भी डिडक्ट हो रहा है, दोनों नहीं होगा. सो इट शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑन द गुड्स परचेज्ड बाय हिम फ्रॉम द सेलर एंड हैज डिडक्टेड सच अमाउंट. बायर और सेलर का मतलब क्या है, आइए देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एप्लीकेबल ऑन स्मॉल सेलर्स. नॉट एप्लीकेबल ऑन स्मॉल सेलर्स. स्मॉल सेलर्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. सर स्मॉल सेलर्स मतलब, गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं था तो आपको ये सेक्शन में TCS कलेक्ट ही नहीं करना है. वेरी गुड प्रोविजन. इससे जो छोटे छोटे सेलर्स हैं वो बच गए, जिनका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से कम था तो उनको TCS कलेक्ट नहीं करना है. तो सेलर मींस अ पर्सन हुज टोटल सेल्स फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड्स 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द सेल इज कैरिड आउट. पिछले साल में अगर आपका 50
सॉरी 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है, टर्नओवर है, तो तभी आपको इस सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन ला के किसी को भी एक्सक्लूड कर सकती है सेलर के डेफिनेशन में से, और बायर तो अपने को पता ही है कि बायर मतलब जो गुड्स परचेस करता है। बायर के डेफिनेशन में क्या एक्सक्लूडेड है, सेम है, एकदम सेम एज 206C1G, जो अपने अभी अभी पढ़े थे 206C1G, सेम वहां पे भी यही था। अगर आप देखो, ध्यान से देखो, ऊपर देखो, बायर में एग्जेम्पशन फ्रॉम टीसीएस कलेक्शन अगर बायर ये लोग है तो 206C1G में, 1H में भी देखो बायर के डेफिनेशन में ये लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर पर्सन विच गवर्नमेंट में नोटिफाई, और इसमें एक इंपोर्टर को भी कवर कर लिया है। सर ये तो होना ही था, आज सोचो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो टीसीएस अगर मान लो ऐसा सोचो, सेलर आउट ऑफ इंडिया सेलिंग गुड्स टू अ बायर इन इंडिया, तो क्या वो सेलर आउट ऑफ इंडिया जो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या वो इंडिया में टीसीएस कलेक्ट करेगा क्या? नेवर नेवर। इसलिए बायर में किसको हटा दिया, जो इंपोर्ट कर रहा है उसके उससे टीसीएस कलेक्ट मत करो, मतलब जो इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, मतलब जो बाहर एक्सपोर्ट कर, बिकॉज टीसीएस हमेशा सेलर ही तो कलेक्ट करता है, बायर थोड़ी ना कलेक्ट करता है। इट वॉज वेरी वेल अंडरस्टूड, थोड़ा माथा लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। बस सर बात बाकी सब सेम है। अगर कोई डिफिकल्टी अराइज होता है तो बोर्ड में विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग डिफिकल्टी, और वो गाइडलाइंस ऑब्वियसली विल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड विल बी बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड द पर्सन जो कि टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है। ये भी हो गया अपना, ठीक है। तो गाइज ये सब सेक्शन बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लो, नोट्स अच्छे अच्छे से आपके पास पड़ा हुआ है, जस्ट रीड दिस, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। मीनिंग ऑफ सेलर फॉर द पर्पस ऑफ 261 एंड 261F, देखो याद होगा आपको, अगर जैसे TDS में वो 194 ACHIJ वाला प्रोविजन याद है आपको, सेम टू सेम यहाँ पर है, सेम टू सेम प्रोविजन में यहाँ चेंज आया है। सर जो इंडिविजुअल HUF पिछले साल में टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं थे वो ACHIJ में TDS नहीं काटते हैं। सिमिलरली TCS में भी तो है 260 subsection 1 एंड 260 subsection 1F, यहाँ पे भी सेलर के डेफिनेशन में वो इंडिविजुअल और HUF इंक्लूडेड है जो पिछले साल में टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी चेंज कर दिया कि सेलर शैल इंक्लूड इंडिविजुअल HUF हुज टोटल टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ प्रीवियस इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने डेफिनेशन अकॉर्डिंगली अमेंड कर दिया। सेम है, इसमें कोई डिफरेंट। जो कोविड पीरियड में रिलैक्सेशन, जो कोविड पीरियड में रिलैक्सेशन है, रिपीट, जो कोविड पीरियड में रिलैक्सेशन TDS में आया था रिड्यूस्ड बाय 25%, वैसे TCS में भी आया है रिड्यूस्ड बाय 25%। कौन कौन से सेक्शन में ये आप थोड़ा देख लीजिए, 267 तेंदू लीव्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस विद सप्या, लेकिन एल्कोहलिक लिकर पे रिडक्शन नहीं है, नो रिडक्शन इन एल्कोहलिक लिकर, ये ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक लिकर पे कोई भी रिडक्शन नहीं है, उस पे जो TCS कलेक्ट होता था अभी भी वही कलेक्ट होगा। तो इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ 261 एक्सेप्ट ऑन एल्कोहलिक लिकर, 1C दैट इज मोटर कार, 1F दैट इज फॉरेन रेमिटेंसेस और ओवरसीज पैकेज, और 1H जो हम लोग ग्रेटर देन 50 लैक्स वाला पढ़े थे, सेलर रिसीविंग मोर देन 50 लैक्स फ्रॉम द बायर। तो इन दिस ये सब सेक्शन में इट रिक्वायर कलेक्शन ऑफ TCS ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 14th May टू 31st March, देन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस, आपको 3/4 में ही कलेक्ट करना है, यानी जो आपका 0.1% है वो हो जाएगा 0.075%, समझ गए, अकॉर्डिंगली इट विल चेंज, जो 1% है वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0.75%, तो रिडक्शन होगा बट ओनली फॉर दिस पीरियड, जो कि एक सेक्शन 206C सब सेक्शन 10A में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ में आया था, ये भी कोविड के लिए ही आया, टेम्पररी चेंज है, हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया 234G में, जैसे आप सबको पता है 234A है इंटरेस्ट ऑन डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, 234B है डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, 234C इज डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, 234D इज इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ एक्सेस रिफंड, 234E इज डिले इन फाइलिंग TDS रिटर्न 200 पर डे, 234A इज डिले इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), ये भी पढ़ चुके हैं। अब 234F के बाद 234G है जो बोलता है फी फॉर डिफॉल्ट रिलेटिंग टू स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट, कौन सा स्टेटमेंट है चलो देख लेते हैं। अ फी ऑफ ₹200 एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू शैल बी चार्ज्ड, जब कोई रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज या कंपनी जो कि साइंटिफिक रिसर्च वाले सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया, इफ दे फेल टू डिलीवर
इफ फेल टू डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड अ स्टेटमेंट विद इन दिस प्रिस्क्राइब टाइम. वो लोग को कुछ क्या होता है ना, नेसेसरी अपना अप्रूव क्या होता है, गवर्नमेंट बेसिकली क्या किया, जैसे मान लो डिडक्शन अंडर 80G, जो डोनी है, डोनी जिसको फंड में दिया जा रहा है, वो लोग को स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, तभी तो जाके 80G का क्रॉस वेरीफाई होगा, जो हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, इसका वीडियो यूट्यूब चैनल अपलोडेड है, फिर देख लीजिएगा. तो जो डोनेशन है, जो डोनर है, वो लोग को हमेशा क्या करना पड़ता है, TCS कलेक्ट क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, एंड दैट इज वाई जो डोनी है उनको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है. अगर वो नहीं करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे उनको फीस लगा दिया गया है. इंस्टीट्यूशन और फंड फेल्स टू डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड अ स्टेटमेंट विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और फर्निश अ सर्टिफिकेट अंडर 80G 5. सिमिलरली रिसर्च एसोसिएशन को भी बहुत सारे स्टेटमेंट कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, अगर वो नहीं किए तो 200 rupees पर डे का फीस लगना चालू हो जाएगा. एंड द फीस शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फेलियर हैज ऑकर्ड. मतलब जितना रुपया का फेलियर है उससे ज्यादा का तो फीस डेफिनेटली नहीं होगा, वो TDS में भी हम लोग पढ़े थे. तो एक फीस का सेक्शन है, MCQ में पूछा जा सकता है, जस्ट एक बार देख लेना. सो गाइज, विद दिस वी कंप्लीट आवर इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर May-June 2021 टर्म. हम लोग ने 3 क्लास में पूरा कंप्लीट किया है. ये वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल में ही रहेगा, आप प्लीज इसको जब भी चाहे देख लेना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स ऑलरेडी है, PDF डाउनलोड कर लेना. वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट अमेंडमेंट्स फॉर GST एज इनडायरेक्ट टैक्सेज ऑल्सो, तो उसका भी अमेंडमेंट आ जाएगा, बट ऑनेस्टली उसमें ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, तो वरी मत करो. मेन अमेंडमेंट इनकम टैक्स में था, वो मैंने अब कवर करवा दिया है. वेरी सून विल बी स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल केस स्टडी MCQ केस स्टडी सिनेरियोज विच इज रिलीज बाई ICAI, तो वो भी हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. बट धीरे 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 वीडियोज उसका आते रहेगा, लाइव सेशन हम लेंगे यूट्यूब लाइव में. आप बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फुल ऑन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, गिव योर 100% गाइस. बहुत कम टाइम बचा अब एग्जाम के लिए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो गिव योर 100%. तो बस ये इंटरेस्ट का बात था. और बेसिकली TDS TCS में नए नए सेक्शन आए, TCS में 2 बड़ा सेक्शन आए, ठीक है, TDS में भी बहुत अच्छा 194O वाला सेक्शन आया, और एग्जिस्टिंग सेक्शंस में भी काफ़ी बदलाव है, ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना. इस बार आपके एग्जाम में TDS TCS हैवी मार्क्स का आने का चांसेस है, बिकॉज अमेंडमेंट्स भी बहुत है, नए नए सेक्शन भी बहुत है, ठीक है. So that's it for today. Thank you so much for watching the class entirely, and see you very soon in the coming sessions. Bye bye. Take care and all the best for your exams ahead. Bye bye.